तो प्लीज हेलो कनेक्शन सर। स्टार्ट कीजिए। हाँ यस सर। राजेश सर, वी वेलकम यू फॉर टुडेज डेमो। तो एवरीवन, दिस इज कनिष्ठा एंड वी हैव आवर अचिंत सर हियर, आवर फाउंडर। वी थैंक सर फॉर दिस कलारम, जिसकी वजह से हम डिफरेंट डिफरेंट डेमोस करते रहते हैं। और आज हमारे साथ हैं राजेश सर, जो ऑयल पोर्ट्रेट का डेमो देने वाले हैं हमें। राजेश सर जो हैं, इन्होंने अपनी मास्टर्स कंप्लीट करी हुई है फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर के एक कॉलेज से उन्होंने अपनी मास्टर की हुई है और काफ़ी एग्जीबिशंस करते रहते हैं सर। सर का ऑयल पोर्ट्रेट का काम, ऑयल का, और आज वो हमें ऑयल में पोर्ट्रेट दिखाने वाले हैं। सर, ओवर टू यू राजेश सर। ओके मैम, स्टार्ट। मैम थोड़ी सी सर, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक आपने कुछ बोला वो समझ नहीं आया। नहीं, आपने मुझे जो कुछ बोला है समझ में आ गया है, लेकिन बीच बीच में थोड़ा कट रहा था, पर बाकी समझ में आ गया। यस सर जी। तो मैम मेरा इंट्रोडक्शन में दे दूं? यस सर प्लीज। ओके मैम, मेरा नाम राजेश सिरवे है और आपने अभी बताया कि मैंने मास्टर किया है। काफी समय से मैं ऑयल पोर्ट्रेट पर काम ऑयल कलर से काम कर रहा हूं। आवाज आ रही मेरी सभी? यस सर। हाँ मैम, तो काफी समय से मैं ऑयल में काम कर रहा हूँ, ऑयल माध्यम में, और मुझे काफी आनंद आता है इसमें। और जितना भी मैं कर रहा हूँ इसमें, तो वो मैं कोशिश, अभी तक मैंने जितना भी सीखा है या जो भी मैं करता हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ आप लोगों के सामने उसे कितना निभा पाता हूँ। तो मैं भी बनाने वाला हूँ एक, मैंने ही एक फोटोग्राफ लिया था जिस कानपुर के आसपास का है कहीं का, तो एक पोर्ट्रेट मुझे बहुत, दादा का एक फोटो बहुत अच्छा लगा था, तो वो मैंने यहाँ पर एक दूसरे मोबाइल में यहाँ पे रखा है। तो ये फोटोग्राफ है, ये मैं बनाने वाला हूँ। इनका सिर्फ फेस बनाने वाला हूँ मैं। सर बहुत अच्छा कैरेक्टर है। हाँ, वो वहाँ जब मैं रेलवे स्टेशन पर था तो मुझे ये दिखे थे, तो मैंने इनकी काफी फोटोग्राफ्स खींचे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी अभी मैं सोच रहा था कि मैं ये बनाता हूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो मैंने अपना ऑयल कलर्स वगैरह सारा सिस्टम यहाँ रख लिया है। और बनाने के बाद मैंने कुछ पोर्ट्रेट भी, हालांकि मैं अभी अपने घर हूँ, मैं अपनी गैलरी पर नहीं हूँ जहाँ मेरा स्टूडियो है। स्टूडियो में 6 बजे बंद कर देता हूँ, तो अपना घर में ही एक छोटे से कमरे में जहाँ मैं काम थोड़ा बहुत करता रहता हूँ, तो वहीं से मैं अभी ये बनाने वाला हूँ। और वहाँ पे मैंने 2-4 पोर्ट्रेट्स भी रखे हैं, मैं चाहता हूँ कि काम करने के बाद वो मैं दिखाऊंगा। यस सर, ऑफ कोर्स। तो मैं स्टार्ट करूँ क्या? यस सर प्लीज स्टार्ट। ओके मैम। थोड़ा सा देख लीजिएगा कि सही आ रहा है क्या, एक बार चेक करके बताइएगा कि ये पोजीशन सही है क्या। लोग, ये जो मैंने सेट किया सही है ये? यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना इसमें? यस सर, ठीक है बिल्कुल। तो मैं इसमें थोड़ा सा मटेरियल के बारे में बताना चाहूंगा। ये वैसे नॉर्मल तो ये जो कलर्स हैं ये कैमल के ही हैं सारे, और आर्टिस्ट ऑयल कलर्स हैं। और इसमें मैं एक प्रकार के कलर्स हैं जो मैं यूज कर लेता हूँ, जिसमें अलग अलग ब्रांड है जिसमें, लेकिन कैमल भी सबसे अच्छा है इसमें। ये डेलरोनी के हैं, जॉर्जियन के, ये भी अच्छे हैं। विंसर एंड न्यूटॉन मेड इन जर्मनी के जो कलर्स हैं विंसर न्यूटॉन के, ये भी अच्छे हैं। तो ये विंटन है, और इसमें आर्टिस्ट वाले भी हैं, तो आर्टिस्ट वाले की क्वालिटी और अच्छी आती है। हालांकि इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर ऑयल में काम करते हैं तो, अगर प्रोफेशनल थोड़ा सा और अच्छा करना चाहें तो हम कर सकते हैं। मैंने इनमें अभी सब मिक्स निकाल रखे हैं यहाँ पे अपनी पैलेट पर, और अभी मैं उसमें मीडियम जो यूज कर रहा हूँ वो मैं लिक्विन यूज कर रहा हूँ। लिक्विन फाइन डिटेल है ये, तो ये यूज कर रहा हूँ। इसमें मैं कभी कभी ये भी यूज करता हूँ और कभी कभी लिक्विन ओरिजिनल भी यूज करता हूँ, लेकिन अभी मैं ये लिक्विन फाइन डिटेल यूज कर रहा हूँ। थोड़ा सा लूज है, पतला है, अच्छा रहेगा। तो और हम ऑयल कलर में हम जो है लिंसिड ऑयल और टर्पेंटाइन का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों का मिक्सर बनाकर हम उसे भी यूज कर सकते हैं। दोनों सभी मीडियम अच्छे हैं और सबका अपना अपना प्रभाव है। अभी जो है मैं फाइन डिटेल जो लिक्विन फाइन डिटेल इस्तेमाल कर रहा हूँ मैम।
मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? हाँ यस यस। तो अच्छा है, और मैंने सारे कलर्स निकाल लिए हैं सारे, और कलर्स में बताना चाहूंगा इसमें पैलेट में, या लेमन येलो, येलो क्रोम येलो है, येलो ऑकर है, और इसमें सेट ग्रीन है, उसके बाद ये यहाँ पर कैडमियम रेड में यूज करता हूँ हमेशा, और उसके पास में जो है वर्मिलियम, वर्मिलियन रेड है, ब्रंट साइना, ब्रंट अंबर, और ये अल्जायरन क्रिम्सन है, और बाकी जो है थोड़ा सा इसमें मैंने अल्ट्रा मेरिन ब्लू निकाला है यहाँ पे, और व्हाइट कलर और ब्लैक वगैरह ये यहाँ पे निकाल रखे हैं। तो बस इन्हीं से मैं ये पोर्ट्रेट बनाने वाला हूँ। तो मैं हल्का सा पहले एक स्केच से उनका प्रभाव ले लेता हूँ। तो स्केच में ज्यादा मैं डिटेल तो नहीं देता हूँ, पर थोड़ा बहुत मैं इसमें हमेशा जब भी कोई काम करता हूँ तो थोड़ा बहुत एक उसके प्रोपोर्शन के लिए हल्की सी पेंसिल से करता हूँ स्केचिंग ड्रॉइंग। और उसके बाद जी कैमरा थोड़ा सा और आप टिल्ट कर दें, शीट पे जूम हो जाए। हाँ ठीक है, फिर ठीक है कैमरे पे थोड़ा सा और मैं कर देता हूँ। अच्छा जी सर, तो उससे पहले भी एक बड़े मन में हलचल हो रहा है, जो बाएं जो फैमिलीज पोर्ट्रेट है जो फोटोज है वो क्या आपका पेंटिंग है, ऑयल पेंटिंग? हाँ सर वो ऑयल पेंटिंग है, ये मेरा कमीशन वर्क है, दिखाऊं क्या मैं? तो आप इतना छोटे कैसे बनाए हैं इतना अच्छे, आप दिखाना पड़ेगा सर पहले, बाकी जी बिल्कुल 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 सर मैं दिखाता हूँ, पास में लेके आता हूँ मैं। हाँ ओके, मुझे लगा काफी छोटा है तो ये ठीक है, काफी बड़ा ही है ये, और ये एक मिनट है बट काफी खूबसूरत है। अच्छा अच्छा थैंक यू सो मच सर। चेहरा चेहरा दिखा दीजिए एक बार। हाँ यस, क्या बात है, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर। ये अभी इतना किया था, इसमें मैंने अभी ये एक लेयर और थोड़ी सी रह गई है, तो मैं कर रहा हूँ काम इसके ऊपर। जी 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 बहुत अच्छा, बहुत अच्छा एकदम, थैंक यू सो मच सर। तो आगे दिन, आगे दिन को, आगे दिन को इस तरह से एक छोटा पोर्ट्रेट भी दिखा रहा हूँ जो काफी छोटा है, मेरे हाथ से आप देख सकते, देख पाएंगे ना। मस्त, बहुत अच्छा, ये मेरी मदर का है, और बहुत अच्छा, ये भी ऑयल से किया था मैंने सर, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच सर। स्टार्ट करें सर? हाँ हाँ सर, प्लीज प्लीज, सॉरी आपको रोक दिया। राजेश जी, जैसे हमने सेटअप किया था ना, थोड़ा सा फ्रंट एंगल, मतलब इतना पर्सपेक्टिव में ना दिखे वो, थोड़ा सा फ्रंट दिखे, अगर वैसा हो जाए तो ऐसा, तो ठीक है ना, इसको सेटअप के टाइम किया था। हाँ ऐसा, हाँ कलर देखे, कलर नहीं देखे चलेगा, जूम करके उसमें कैनवास पे चले जाएंगे तो भी ठीक है। ओके सर, बिल्कुल सर, और हल्का सा और फ्रंट हो जाएगा मुझे लगे। सर ये टाइमिंग इसका, लास्ट टाइमिंग एंड का क्या टाइमिंग है सर इसका? कोई टाइमिंग नहीं सर, आप रिलैक्स आराम से कीजिए। हाँ मतलब जल्दबाजी ना, जल्दबाजी तो नहीं करना, कोई जल्दबाजी, जल्दबाजी में काम नहीं होता, अगर टाइम से होता फिर पेंटिंग क्यों करना सर, आप आराम से कीजिए। जी सर, जी सर, अब ठीक है। हाँ आप ठीक है सर? ठीक ठीक सर, जी सर, तो मैं थोड़ा सा स्केच कर लेता हूँ उसका। जी जी, तो अगर इसके बीच भी स्केच करते वक्त भी अगर कुछ कोई, अगर कोई थोड़ा बहुत कुछ जानना चाहे तो मतलब बोल सकते हैं। तो मैंने थोड़ा अगर मिस नहीं किया है, आपने मटेरियल के बारे में तो बता दिया है राजेश जी, आपने कैनवास के बारे में भी बताया। हाँ सॉरी सॉरी, ये कैनवास लिनन है, ब्रूस्टो का है ये, और एक्स्ट्रा फाइन ग्रेन है, अच्छे अच्छा है इसका, बहुत ही सरफेस अच्छा है इसका। अच्छा, स्मूथ है ज्यादा, राइट? हाँ ये पोर्ट्रेट के लिए मैं हमेशा इस्तेमाल करता हूँ सर, क्योंकि पोर्ट्रेट के लिए सबसे बेस्ट है, इसलिए मैं इसको जी। जो हमारे पास और भी कैनवास है तो आप ड्राइंग करते रहिए, फिर बात करते हैं साथ साथ। नहीं नहीं आप, हाँ सर मुझे तो खैर आदत है, वैसे मैं कर सकता हूँ बात बात, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। क्यों? हाँ। जो हमारे पास कैनवास है, मान लो नॉर्मल जो भी कैनवास है, टेक्सचर ज्यादा है उसमें, तो हम ऑयल पेंटिंग करने से पहले क्या उसमें कुछ ऐसा कोटिंग कर दे कि स्मूथ हो जाए, खास करके अगर स्मूथ चाहिए तो क्या कर सकते हैं उसके ऊपर? सर उसको जैसो, मैं तो उसके लिए जैसो यूज करता हूँ सर, ओके वही लगाता हूँ। हाँ तो मुझे तो लगता है कि वो बेस्ट है, ओके, काफी काफी उससे मतलब एक सरफेस जो है जैसो, तो, कैमल का ही है शायद, राइट? हाँ हाँ सर कैमल का ही है, ओके। तो हाँ सर मैंने आपके जितने भी वर्क देखे हैं वाटर कलर में, बहुत देखे हैं मैंने, तो बहुत ही गजब का काम करते हैं आप भी सर। हाँ नहीं नहीं थैंक यू सर। तो निशी सर वेलकम, वेलकम।
जी सर, बहुत दूर से देख रहे हो तो थोड़ा आवाज भी दे दो। निशि सर नमस्कार सर। एक्चुअली वो थोड़ा सा बाहर है तो हाँ एक वो इसके जी। साथ में सभी कोई सभी दिक्कत सभी जो आर्टिस्ट को मैं वेलकम करना चाहूंगा फिर से जो अभी जुड़े। तो हमारे गणेश राजेश सर है, काफी अच्छे एक आर्टिस्ट है, साथ में बहुत अच्छे एक इंसान है। इनसे हमने फर्स्ट टाइम मिला कानपुर में, बट मजा आ गया इनसे मिलके। तो काफी नमस्कार। कुछ सीखने को मिलेगा आज के सेशन में और आगे भी। तो थैंक यू, आपने ये समय निकाला हमारे लिए। और अरे नहीं नहीं सर, ये तो मेरा सौभाग्य है और काफी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं आप लोगों से जुड़ा हूँ और आप लोगों को जो भी मुझे आता है वो मैं बता पा रहा हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है सर। इसीलिए हमें अक्सर कहीं मतलब हर दिशा में जाना होता है कि इस तरह से आप जैसे अच्छे कलाकार हमसे मिल पाए। तो अरे सर क्या बात। का कानपुर आने का हिस्ट्री भी काफी अच्छा था ना। ट्रेन अरे में सर मुझे बहुत अच्छा वास्तव में सर मुझे बहुत मजा आया और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला सर, क्योंकि ऐसा अवसर सुना नहीं चाह रहा था। मेरे लिए बहुत सर, आपके ये नेटवर्क वहां पर इतने लोग इतने आर्टिस्ट। आपके नेटवर्क क्या यूज कर रहे हो? मतलब वाईफाई है, क्या है, क्या नेटवर्क है, मतलब इंटरनेट किससे चला रहे हो आप? फोन फोन से या किससे? फोन नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है क्या सर? हाँ, हाँ बहुत है, नेटवर्क आपका बहुत स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ना वो ब्लर भी दिख रहा है और आवाज भी कट रही है आपकी। आपका ये वाईफाई से चल ओहो रहा है क्या, फोन से चल रहा है? सर, इनडायरेक्ट डायरेक्ट चल रहा है सर फोन से ही? ये। जियो जियो का है सर, ये जियो से चल रहा है। अच्छा, तो एक ही नेट से बहुत सारे डिवाइस चल रहा है, ऐसा है क्या? नहीं नहीं सर, ओके सिंगल ही है सर। अच्छा, अगर एक से चलता तो बाकी को थोड़ा सा स्टॉप कर देते तो इसको थोड़ा सा पावर मिल जाता, मैं ऐसे सोच रहा हाँ बाकी तो अभी मैं कुछ भी नहीं चला पा रहा हूँ सर, कुछ भी नहीं है। था। अच्छा, बस वही चल रहा है। हाँ हाँ वही चल रहा है सर। तो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही क्या? हाँ थोड़ा सा इजी हो रहा है, ब्लर हो ओके रहा है थोड़ा थोड़ा, तो कोई नहीं, देखिए थोड़ा सा रात में जब लोग सो जाएंगे थोड़ा सा जियो को फ्री करेंगे तो आ जाएगा हमारे को देखने में शायद। सही है सही है, बिल्कुल बिल्कुल। करते हैं जियो को बट आर्टिस्ट लोग नहीं छोड़ते, देखो ना कैसे यहाँ पे सब बैठे हैं। तो मैं सभी को फिर बताना चाहूंगा कि राजेश जी हमें कानपुर में भी मिले और कानपुर का जो इवेंट था बहुत ही अमेजिंग इवेंट था, और आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की बातें करते हुए मिल जाएंगे लोग। लेकिन आपको मैं राजेश जी का एक बता दूं एक्सपीरियंस, इनका ट्रेन जो है आई थिंक 13 घंटे लेट हुआ था। कितना हाँ राजेश जी जी? सर, 13 घंटे हाँ जी हाँ लेट जी बिल्कुल। हुआ था। लेकिन जब भी आप राजेश जी से पूछेंगे कि इवेंट कैसा रहा, तो ये वो 13 घंटे की बात ना करके वो बात करेंगे कि उन्होंने वहां पर कैसा एक्सपीरियंस किया, कि कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट से मिले और कितना कुछ लर्न किया। और खुद भी राजेश जी ने भी वहां पर डेमो दिया था और सबसे मिल, वो सब बातें करेंगे। ओह वाओ दिस ओह वाओ वेरी गुड सर। मृत्युंजय दादा, थोड़ा म्यूट करके बात करो आप। हाँ तो मैं वही कह रहा था कि आपको जो जब राजेश जी बात करेंगे इवेंट के बारे में तो वही बात करेंगे कि उन्होंने उनको कितना कुछ वहां से मिला। यही फर्क होता है एक अच्छे एक कलाकार में, और एक अच्छा चित्रकार बनना जरूरी नहीं है कि अच्छा कलाकार भी होगा, तो यही फर्क रहता है। तो वही हम सीख सकते हैं कि कैसे जो जब हमारे बड़े आर्टिस्ट रिएक्ट करते हैं किसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं। तो इवेंट जो है वो कानपुर का बहुत अमेजिंग रहा था। उसका जो ब्लॉग है वो आपको कलारम के यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी देखने को मिल जाएगा। जो पहले दिन का इवेंट था बहुत अमेजिंग इवेंट था, अगर आपने मिस किया है तो उसको देख लेंगे एक बार तो आपको भी मजा आ जाएगा। और दूसरे दिन का जो ब्लॉग है वो भी कल तक कलारम के यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा आपको। साथ ही आपको बता दूं कि बहुत से आर्टिस्ट के डेमो भी हैं, और वासुदेव कामत सर जो कि लेजेंडरी आर्टिस्ट है हमारे इंडिया के, उनका पूरा जर्नी का वीडियो है 8 मिनट का,
जो कि बहुत ही अमेजिंग है, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप उस वीडियो को देखेंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए, और अपने आप खुद ही शेयर कर देंगे, मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतना अमेजिंग वो जर्नी है वासुदेव कामत सर का। तो उसे जरूर देखिएगा कलारंग के यूट्यूब चैनल पर। तो राजेश जी ये अपना फोटो शेयर भी कर दीजिएगा, किसी को ट्राई करना होगा तो वो कर भी लेंगे, है ना। बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। राजेश जी यहाँ पे मैं हमारे बिगनर्स आर्टिस्ट या जो भी आर्टिस्ट के लिए सवाल पूछना चाहूंगा कि हमें कितना जरूरी रहता है एक पोर्ट्रेट को ऑयल में करने के लिए, पेंसिल में कितना काम करना पड़ता है या कितना ड्राइंग करना पड़ता है और कितना करना चाहिए? सर मुझे जहां तक लगता है कि ड्राइंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर हम उसमें जितना कैरेक्टर के लिए जितना अगर यूज कर सकें पेंसिल का तो उतना अच्छा है एक बिगनर्स के लिए। और जब हम काम करते करते जब वो वैसी स्टडी हो जाती है तो फिर हम डायरेक्ट कलर से भी उसको ड्रॉ कर सकते हैं, पर उस बिगनर्स के लिए तो मुझे लगता है कि पेंसिल से जितना डिटेल हो सके उसको करना चाहिए ताकि वो जहन में हो जाए कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पे क्या है। हाँ, मैं सर क्या करता हूँ कि वो पर्सपेक्टिव के हिसाब से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सा मार्किंग पहले करके और फिर उसको कलर की ओर ले जाता हूँ धीरे 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 हल्का हल्का सा। और मैं इस फोटोग्राफ का रेफरेंस जरूर ले रहा हूँ, लेकिन उसकी जो कलर स्कीम है और कलर की जितनी भी वैल्यू है वो मैं अपने हिसाब से रखना चाहूंगा उसमें। तो सर पेंसिल लाइन्स बहुत सारे हम डालने से ऑयल पेंटिंग में भी दिक्कत आता है क्या? कैसे सर, समझा नहीं मैं। जैसे हम वाटर कलर करते समय पेंसिल्स के लाइंस कम रखते ताकि वो ट्रांसपेरेंट या थोड़ा सा सच नहीं, इसमें नहीं आता सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, राइट? नहीं सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो वो लेयर टू लेयर काम अगर इसमें होता है तो वो थिक कलर भी चले जाते हैं, तो लगभग लगभग की पेंसिल जो है वो इसका उतना वो नहीं हो पाता है, इतना वो असर नहीं रहता, पेंसिल दिखती नहीं फिर तो बाद में। ओके ओके राजेश जी, ये लाइव पोर्ट्रेट करना कितना जरूरी होता है उसके बारे में भी थोड़ा बताइए, क्योंकि आप बहुत लाइव पोर्ट्रेट करते हैं मैंने देखा है, और उसके बारे में भी थोड़ा अवेयरनेस थोड़ा दीजिए। सर वो ज्यादा इसलिए इतना जरूरी है कि जैसे आज हम अगर मान लो फोटोग्राफ का रेफरेंस ले रहे हैं पर इम्प्रेशन फोटोग्राफ का नहीं रहेगा, क्योंकि लाइव हम करते हैं तो हम समझते हैं लोगों के हाव भाव को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो उसमें स्टडी हो जाती है, फिर उसके बाद जो कलर टोन होती है जो स्क्रीन टोन होती है तो वो लाइव करने से स्क्रीन टोन बहुत आसानी से समझ में आती है, फोटोग्राफ में हम नहीं समझ पाते हैं, फोटोग्राफ में इम्प्रेशन फोटोग्राफ जैसे ही रहता है उसका, इस वजह से लाइव करना बहुत फायदेमंद है, करना चाहिए लाइव। अंकित आप थोड़ा सा फोकस कर दो उसके ऊपर थोड़ा, क्योंकि वो ब्लर दिख रहा है अभी, पता लग रहा है कि स्केचिंग हो रहा है, थोड़ा सा और उसके ऊपर फोकस करेंगे तो सही रहेगा। हाँ मैं एक सेकंड बस कर रहा हूँ भाई, मुझे ना इसमें नहीं शायद लग रहा है इतना, इसमें लग रहा है क्योंकि ये डायरेक्ट विजनरी है इसी का। हाँ अब हुआ क्लियर? थोड़ा टैप करो, शायद फोकस का ही ना प्रॉब्लम हो कुछ, टैप करो जरा स्क्रीन के ऊपर। हाँ मैं कर रहा हूँ, फोकस नहीं हो पा रहा है अभी भी, है ना, थोड़ा हेजी लग डर लग रहा है थोड़ा, बट अभी पहले से बेटर है। मैं कुछ करता हूँ के लिए, वो मुझे पता है कि जैसे ही कलर आएगा उसके ऊपर तो वो पूरा विजिबल हो जाएगा अच्छे से, अभी वो पेंसिल है काफी लाइट है इसलिए भी थोड़ा, हालांकि सर पेंसिल में अभी बहुत लाइट चला रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा लाइट पेंसिल है, थोड़ा सा मार्किंग के हिसाब से मैं थोड़ी सी लाइट पेंसिल चलाता हूँ और फिर हल्का सा उसको डार्क कर देता हूँ, ये मैं कर रहा हूँ अभी, तो इस वजह से भी ऐसा लग रहा है शायद। अब क्लियर हुआ है, आप देखना एक बार। नहीं वो एक्चुअली क्या नेटवर्क का ही है, थोड़ा जो जियो का नेटवर्क है वो नहीं उसको ले पा रहा है, लेकिन मैं राजेश जी से भी ये भी बात करूंगा कि
नई जनरेशन है ना, तो काफी हम लोग क्या करते हैं, फोटो रियलिज्म बहुत ज्यादा करने की उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं ना, और ग्रिड बनाते और ऐसे बिल्कुल एकदम फोटो रियलिस्टिक वो करके खुश हो जाते हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे, रियलिज्म और फोटो रियलिज्म, हाइपर रियलिज्म को, दोनों को कैसे आप अलग देखते हैं, और क्या अच्छा है हमारे आर्टिस्टिक अप्रोच के हिसाब से? सर, मेरा ऐसा मानना है, एक जो फोटो रियलिज्म की आप जहाँ बात कर रहे हैं ना, तो और एक 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 आर्टिस्टिक पेंटिंग की जहाँ हम बात करें, तो उसमें ये फर्क है, कला और कुशलता दोनों में अंतर है ना। तो अगर आप फोटो रियलिज्म अगर हूबहू फोटो की तरह ही बना लेते हैं हम, तो वो हमारा मतलब हुनर है, वो हमारा स्किल है कि हम जहाँ डॉट है वहां डॉट लगा रहे हैं, जैसी कलर जैसा फोटो, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लग रहा है यार फोटो है या पेंटिंग है, तो ये समझो कि वो हमारा टैलेंट है, स्किल है। लेकिन कला अंदर से आती है, भले ही ऊपर नीचे आंख नाक हो जाए या जो भी है, लेकिन अगर मान लो हम उसकी आत्मा को पेंट कर रहे हैं और उसकी भावनाओं को पेंट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो कला है, और मुझे जहां तक लगता है कि वो ज्यादा बेहतर है और वही ज्यादा ठीक है, वो करना ज्यादा। बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया, एकदम रोंगटे खड़े हो गए। उसका जो नेचर है, उसका जो उसकी जो अभी थोड़ा थोड़ा सोल दिखने है लग रहा है। सर, मैं ये जो पोर्ट्रेट बना रहा हूँ ना, मैं कोशिश करूंगा इसको उस तरह तक ले जाने की, जहां मतलब मैं इनसे जब मिला था ना, तो मैं इनसे बातें कर रहा था, और ये मेरे से बात करने के बाद ये मेरे इनकी फोटोग्राफ खींच रहा था, इसके बदले मेरे से ये कुछ मतलब खाने पीने के पैसे है, उनके पास नहीं होंगे, तो वो जो जो मैं बता रहा हूँ ना कि मैं इस तरह से पेंटिंग करना चाहता हूँ, मैं अपनी पेंटिंग में इस तरह के सब्जेक्ट मतलब इस तरह के विषय होते हैं, और वही वही पोर्ट्रेट में मैं लाने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने वहां देखा उनका ये। अगर मुझे डायरेक्ट फोटोग्राफ मिलता ना, तो इसमें फोटोग्राफ का ही इंप्रेशन आने की कोशिश करती, लेकिन मैं इनसे रूबरू मिला हूँ और इनकी भावनाओं को मैंने ये करा, मैंने वहां पर भी जो काम किया था ना, उस बंदे से मैंने उस बंदे के साथ में रूम में रह रहा था कानपुर में। तो बहुत जरूरी है कि अगर हम जिसे भी पेंट करें ना, उसके साथ अगर थोड़ा वक्त बिताएं, तो मुझे लगता है कि हम उसकी अंदर की चीजों को समझ पाते हैं, और वही पोर्ट्रेट में फिर दिखाई देता है। अमेजिंग। ये बहुत बड़ी बात है, और ये बात काफी बार हम सुन चुके हैं बहुत बड़े बड़े कलाकारों से भी, कि अच्छा जब अच्छा हम उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं ना, फिर जी जो जी हमारा आर्ट होता है ना, उसका जो लेवल है वो अलग होता है। तो कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया कनेक्ट राजेश होना जी, बहुत जरूरी। और जो थैंक यू आपके सो जो मच। आर्टवर्क थे वो भी बहुत ही अमेजिंग थे, जो एग्जीबिट हुए थे उनका भी कुछ जी ऐसा ही थैंक फील था। यू सो मच सर। वो मैं आसपास जो मेरा जो माहौल है सर यहाँ पे, तो मैं उन्हीं के बीच में रहता हूँ, पूरा जो है आदिवासी संस्कृति है और उस तरह के लोग बाग है, और उनके बीच में मैं दिन भर रहता हूँ, पोर्ट्रेट्स उनके बनाते रहता हूँ। तो मुझे लगा कि मैं जहाँ रहता हूँ और जो मैं सोचता समझता हूँ और जो मेरी चीजों में अंदर से जो महसूस करता हूँ, मैं उनको पेंटिंग बनाऊँ और वही लेके वहां जाऊँ, ऐसा। यहाँ तो पे मैं एक हाँ सॉरी जी 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 एक बिल्कुल आर्टिस्ट एक स्टूडेंट का सवाल है कि ऑयल जी पेंटिंग बहुत समय लगता है सूखने के लिए, तो कैसे करते कि मतलब एक ही दिन में एक ही टाइम पे डेमो कैसे देते, जैसे कि आप आज भी देने वाले हैं, जी तो एक ही टाइम पे, तो वो कैसे ये क्या मीडियम यूज करते हैं जिसके कारण वो ड्राई होते जाते हैं। जी हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा, मेरा ये स्केच तो लगभग लगभग कंप्लीट हो गया है, और अब मैं इसमें कलर की ओर बढ़ना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो मैंने बताया था, ये एक मिनट, ये जो बताया था मैंने कि लिक्विन फाइन डिटेल, और एक बताया था मैंने लिक्विन ओरिजिनल, तो ये जो है, ये दोनों है ना, ये बहुत जल्दी, इसमें लिखा भी है, इस पे ड्राइंग ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत जल्दी कलर को सुखा देते हैं। तो तो यहाँ पे अभी सर तक हाँ, और एक आ जाता है जेल भी आ जाता है, तो ये तीनों का डिफरेंस ही क्या है, एक जेल इनका, एक लिक्विन जेल भी आता है ना। हाँ सर, वो लिक्विन जो जेल जेल होता है ना, वो जो ट्रांसपेरेंट का काम करता है, जहां पर जैसे वाटर कलर में हम काम नहीं करते, वो ट्रांसपेरेंट की जरूरत होती है, तो ओके ओके लिक्विन जेल उसमें प्रयोग होता है। और एक और अभी मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, वो उसमें एक थिक कलर लगाने के लिए भी एक लिक्विन होता है। तो वो ट्यूब में आता मैं है, जी 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 ट्यूब में आता है शायद वो। नहीं सर, इसमें इसी में आता है, विंसर न्यूटन तो इसी में दे रहा है, इसी 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 पैकिंग में दे रहा है।
और इसके इसके अलावा मैं बताना चाहूंगा कि ये अगर हम यूज कर रहे हैं तो पेंटिंग अभी मैं बनाऊंगा और लगभग लगभग सुबह तक ये पेंटिंग सूख जाएगी। ओके, ये ओरिजिनल लिक्विन ओरिजिनल लिक्विन ओरिजिनल बहुत अच्छा है, इफेक्ट भी इसका अच्छा है और मुझे लगता है कि फिर ऐसा वो भी इतनी जरूरत भी नहीं पड़ती इनको यूज करने के बाद में कि हम इसमें जो है वार्निश वगैरह करें, थोड़ा मतलब हाफ मेट जो फिनिश होती है चमक वो लगभग इसमें आ जाती है। ओके, तो वो जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरी चीज जो मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये जो तरीका है वो आला प्राइमा है, इस विधि को बोलेंगे आला प्राइमा। एक ही पकड़ में हम जो है इसको फिनिश करेंगे और एक ही बार में इसको बाहर लाने की कोशिश करेंगे। तो आला प्राइमा यानी गीले पे ही काम करेंगे। और जो अंडर पेंटिंग है, जैसे कि मैंने अभी आपने वो जो फ्रेंडली पोर्ट्रेट देखा वो मैंने अंडर पेंटिंग पे काम किया था वो। तो उसमें पेंटिंग सूखने के बाद फिर काम करते हैं, फिर सूखने के बाद फिर काम करते हैं, उसमें थोड़ी प्रोसेस बढ़ जाती है बस। तो आज आप यूज कर रहे लिक्विन का फाइन डिटेल, राइट? हाँ, लिक्विन का फाइन डिटेल और टेक्निक जो है वो आला प्राइमा में यूज कर रहे हैं। तो सर मैंने ये स्केच काफी कुछ बना दिया है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर कलर करना चाहता हूँ। आप स्केच दिखाऊं मैं क्या? थोड़ा दिख रहा है, दिख रहा है सर, दिख रहा है। ओके सर, तो ये एक बार ये फोटोग्राफ भी दिखा रहा हूँ मैं, ये स्केच किया है। हो सके तो सर एक फोटो लेके रखी है, हम अपने इस स्केच का फोटो ले लीजिए, जब हम इंस्टा पे पोस्ट करेंगे तब देख लेंगे सभी। जी सर, जी सर, तो मैं इसको DSLR से भी ले लेता हूँ। हाँ, एक फोटो उसका लेकर रख लीजिए बस। जी 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 सर। ये इसका फोटो मैं ले रहा हूँ। हाँ हाँ, आराम से ये ले लिया है मैंने फोटो सर इसका। और अब जो है मैं इस पर कलर की प्रोसेस चालू कर रहा हूँ। तो सर मैं मेरा भी तरीका वही है जो ओल्ड मास्टर जितने पहले काम कर चुके हैं, तो मैं भी कुछ आर्टिस्ट की थ्योरी वगैरह पढ़ा करता हूँ, जैसे जॉन सिंगर सार्जेंट वगैरह है और रिचर्ड स्मिड वगैरह, ऐसे मैं इनके वर्क देखता रहता हूँ, इनके बारे में पढ़ता भी रहता हूँ। मुझे मेरे दोनों ये जिन्हें दो नाम मेरे लिए मेरे आइडल है और मैं इनको बहुत मानता हूँ। क्या बात, तो इनकी किताबें वगैरह पढ़ता रहता हूँ और वो जो उसी तरह से मतलब बस ये कि जो टेक्निक होना चाहिए बस टेक्निक को पढ़ते हैं, बाकी काम हम अपने हिसाब से ही कर रहे हैं ऐसा। इंप्रूवमेंट अपने हिसाब से जैसे हम करते हैं धीरे धीरे। जी 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 सर। तो सर मैं जो है ब्रश बताना चाह रहा था, तो ये ब्रश इसमें सेबल हेयर भी है। राजेश जी, उससे पहले थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, जो आला प्राइमा में हम कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है इसके लिए लिक्विन या फास्ट प्राइंग यूज करना है, उसमें तो हम बिना उसके भी कर सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम आपका जो है ये केमल का जो आपका जो ये वाला है ये लिंसेड ऑयल ये भी यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर इसमें टर्पेंटाइन मिलाना जरूरी है, करीबन करीबन जैसे एक ढक्कन आपने अगर ये लिया लिंसेड ऑयल तो इसमें 3 ढक्कन टर्पेंटाइन के होना चाहिए, नहीं तो वो लेयरिंग आएगा नहीं ऊपर वो। हाँ, ये टर्पेंटाइन, सॉरी टर्पेंटाइन मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं, ये रहा ये रहा है। तो ये टर्पेंटाइन जो है ये होना चाहिए करीबन करीबन एक ढक्कन ये और 3 ढक्कन ये। तो वो उसका जो है वो लेयरिंग पे अच्छा इंप्रेशन होता है, लेकिन मैं उससे नहीं कर रहा हूँ, मैंने कहा मैं फाइन डिटेल से कर रहा हूँ। यस यस, ये भी बढ़िया है। और ये जो ब्रशेस दिखाना चाह रहा था मैं, इसमें हॉग एयर भी है और सेबल एयर भी है, दोनों ब्रशेस हैं, मैं दोनों का इस्तेमाल करता हूँ कहीं कहीं पर जहाँ जरूरत पड़ रही है। सभी प्रकार के लाइनर ब्रश भी हैं और ये नॉर्मल ब्रश भी है, इसमें फैन ब्रश भी है। यहाँ पे राजेश जी, बिगनर्स को नहीं मालूम होता है कि ये जो हार्ड ब्रशेस होते हैं और सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं, है ना? अच्छा, वाइट पेंटिंग को करने के लिए एक हार्ड ब्रश जैसे होते हैं और एक सॉफ्ट होते हैं, तो वो दोनों को यूज कैसे करते हैं, कब करते हैं और क्यों होते हैं? सर ये जो हॉग एयर है जो अभी बता रहा था, तो शुरुआत तो मैं इसी से करता हूँ। और इनके इनसे करने से क्या है कि जैसे मान लो ये कैनवास है, तो भले ही हमने फाइन डिटेल लिया है इसमें कैनवास ही फाइन ग्रेन्स, लेकिन फिर भी उसके कुछ ऐसे सरफेस में कहीं ना कहीं दिक्कत है, इससे मतलब आसानी से कलर फैल जाता है। हार्ड वाले से आसानी से कलर को फिल कर पाते हैं हम। जी जी, एक तो ये है और दूसरा हॉग एयर से स्ट्रोक जो है वो स्ट्रोक भी कलर ऊपर का ऊपर ही छूट जाता है, जहां लगाना वहां छूट जाता है। Okay. और ये जो सेबल हेयर है, तो ये सेबल हेयर का वैसे मैं प्रयोग कम करता हूँ, लेकिन करना भी चाहिए कहीं कहीं पर, जगह अगर कहीं मर्ज की जरूरत पड़ रही है आपको कहीं मर्ज करने की, तो ये इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए, वहां के लिए बहुत बढ़िया है।
जी जी अब मैं ये सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसके कलर का स्टार्ट कर रहा हूँ मैं जी। मैंने ये इस तरह से स्केच तो प्रॉपर दिख गया ना, तो सर कलर के लिए मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, जितना भी इम्प्रेशन है पहले मैं उसका एक इम्प्रेशन लेना चाहूंगा। तो मैं डार्क से शुरुआत करता हूँ हमेशा, तो उसी तरह से अभी भी शुरुआत कर रहा हूँ, तो इम्प्रेशन जो है उस तरह से जैसा इम्प्रेशन दिख रहा है तो उसको मैं अपने तरह से जो डार्क से लाइट की ओर बढ़ूंगा धीरे धीरे। तो ये कलर कौन सा ब्रांड के यूज कर रहे हैं आप? कलर में सर अभी तो कैमल के हैं और विंसन न्यूटन, दोनों कलर मिक्स करके ही काम करता हूँ मैं। जहाँ पर जैसे व्हाइट कलर है तो व्हाइट विंसन न्यूटन का है, और जैसे जो ये बाकी जितने भी कलर अभी मैंने बताया भी सही थोड़ा सा कि जितने दूसरे जो कलर हैं वो कैमल के भी हैं, और ये अपने डेलर रोनी के जो कलर होते हैं वो भी है मेरे पास। जैसे विंसन न्यूटन के जैसे व्हाइट वगैरह व्हाइट कलर है मेरे पास विंसन न्यूटन की, तो ये इसका व्हाइट कलर अच्छा लगता, अच्छा है, काफी टाइटेनियम व्हाइट कलर है इसका। तो इसका जो व्हाइट का जो होना चाहिए ना एक क्वालिटी, जो ब्राइटनेस वो अच्छी है। बाकी कैमल में थोड़ा सा लूज ज्यादा है तो वो सूखता, सूखने में भी और फिर फैलता भी है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यूज नहीं करता हूँ। कैमल कैमल येलो हो जाता है सूखने के बाद, तो है ना, तो उसके हाँ, लिए व्हाइट व्हाइट तो उसका ही सही है फिर। हाँ उसका ही सही है सर। अच्छा तो किसी ने पूछा कि एला प्राइमा को भी आप एक्सप्लेन कर देंगे तो एग्जैक्टली क्या है क्या चीज, वो सब समझ नहीं आ रहा होगा किसी को, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे आप करते करते। जी 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 तो सर एला प्राइमा का ये है कि इसमें पेंटिंग को आपको एक ही मतलब जो होता ना कि जब हम लाइव करते हैं या फोटोग्राफ से करें पर उसको एक ही सीटिंग में आपको पूरी करना होगी, और उसमें जो कलर है उसको इतने धीरे धीरे से आपको लेयर टू लेयर काम करना होगा कि नीचे लगाया गया कलर भी डिस्टर्ब ना हो। उसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत हो जाती है कई कई जगह। तो अभी जो है मैंने ये कलर बनाया है, कलर वहाँ अलग है लेकिन मैंने अलग ही कलर बनाया है, थोड़ा सा ये इसमें वाइट और ब्रंट ब्रंट अंबर और थोड़ा सा ब्लैक टच करके ना एक अलग कलर मैंने बनाया है ऐसा ग्रे टाइप में, और मैं उससे स्टार्ट कर रहा हूँ जबकि बहुत सारे लोग ब्राउन से स्टार्ट करते हैं, पर यह मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कलर ग्रे टाइप में लिया है। तो हमारे कैमरामैन आज कौन है, आपके बेटे? हाँ सर, हाँ सर, वो वही रहता है सर हमेशा। तो बहुत समझदार है, बहुत अच्छा है, गुड, थैंक यू सो मच सर। कितना अच्छा वो दिखा रहे, वो पैलेट भी दिखा दिया, अभी ऊपर भी लेके आया। हाँ सर, वो उसको मैंने कहा था कि अभी कंटिन्यू यहाँ पे रहना थोड़ा सा, तो बार-बार नीचे जाने की जरूरत नहीं है मतलब। तो सर ये थोड़ा सा डार्क कलर लिया है, तो मैं ये डेमो के लिए थोड़ा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं कल से ऑयल स्टार्ट करना है। अरे तो... सर क्या क्या बात है सर, हालांकि पहले किया है बट वो रैंडम किया है, अभी थोड़ा सा आपसे सीख के थोड़ा करेंगे, है ना? अरे सर छोड़ना नहीं है सर कुछ। जी सर, अचिंत्य सर को बोल रहा हूँ सर, छोड़ना मत कुछ। ये सर सौभाग्य है मेरा कि अचिंत्य सर भी ये चीज बोल रहे हैं, मेरे लिए बड़ी बात है। मुझे सर ऑयल में काम करते करते वैसे काफी समय हो गया है। वाटर करना है? वाटर कलर करना है अभी? हेलो, आपसे पूछ रहे हो वाटर कलर सर? हाँ हाँ, अरे सर बड़ी इच्छा है लेकिन वो मैं आपसे सीखूंगा। चाहे हम कोई भी करें ड्राइंग, ज्यादा जरूरी है हम सबके लिए। हाँ ड्राइंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है धीरे धीरे
समय देने से थोड़ा हो सकता है, मीडियम हम चेंज कर सकते हैं, पर ड्राइंग अगर ठीक नहीं, कलर किस पे करेंगे? सर आला प्राइमा में यही है कि थोड़ा सा डार्क से स्टार्ट करें तो धीरे 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 हम लाइट से जाके वहां तक पहुंच सकते हैं। अगर सर कोई और कुछ प्रश्न वगैरह हो कुछ ऐसे पूछने का, टर्पेंटाइन की बहुत स्मेल आती है। उसका कुछ है सोल्यूशन है, कोई पूछ रहा है? सर उसका कोई सोल्यूशन नहीं है सर, स्मेल का तो कोई सोल्यूशन नहीं है सर। उसका एक सोल्यूशन है क्या जी? वो आपको पसंद आ जानी चाहिए धीरे धीरे। हाँ हाँ सर, वो आपने एक बार बताया था मुझे। ऑयल कलर क्या चीज है, उसमें भी एक नशा है ना। हाँ आपने कहा था ना कि ऑयल कलर क्या चीज है। हाँ इश्क है, इश्क। हाँ ये चीज आपसे मुझसे ना चाह रहा था मैं। टाइम से कैमरा नहीं, इंटरनेट भी ठीक हो गया टाइम से। अच्छा अच्छा सर, थैंक यू सर। अच्छा फिर तो बढ़िया है। अच्छा सर मेरा हॉटस्पॉट दे, थोड़ा सा मतलब समय लगेगा मुझे, चलेगा ना? मैं मतलब धीरे धीरे काम कर रहा हूँ। हाँ हाँ पूरी रात है सर, आप आराम से कीजिए। अरे क्या बात है सर, 4 घंटे में हो जाएगा ना सर? सर उससे पहले करने की कोशिश करूंगा सर। उतना टाइम भी है हमारे पास। इन्हें भी बात करना है, डायरेक्ट बात कर सकते हैं या कुछ मैसेज डाल सकते हैं? बस ये ख्याल रखना है जिसने टर्पेंटाइन का क्वेश्चन किया था कि आपका जो एरिया है वो अच्छा वेंटिलेटेड एरिया होना चाहिए ताकि हवा उसमें से क्रॉस होती रहे। वो ड्राइंग के लिए भी अच्छा रहता है कि ऑयल पेंटिंग ड्राई हो अच्छे से, अगर उसको प्रॉपर एयर मिलेगी। तो राजेश जी, बरसात के समय दिक्कत होता है क्या? बरसात के समय सर मैं फिर लगातार ये जो है लिक्विन ओरिजिनली यूज करता हूँ सर उस समय। तो सब साधन है आज के डेट में, ऐसा कुछ भी दिक्कत नहीं है? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सारी चीजें हो जाती है। शुरू करना है बस, बस शुरू करना है। लिक्विन का तो ऐसा है कि सुबह अपने लेयर की तो आप शाम को दोबारा लेयर करने के लिए तैयार रहते हैं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। और भी कुछ सावधानी रखनी है ऑयल कलर यूज करते हुए ताकि हमारा हेल्थ कुछ वो ना हो कुछ, क्योंकि ये ऑयल पेंटिंग के बारे में ना काफी सारे मिथ हैं कि ऑयल पेंटिंग अच्छा नहीं है हेल्थ के लिए, जो मटेरियल है ऐसा वैसा काफी, जिसकी वजह से जो ऑयल पेंटिंग को जो बिगनर है बड़ी जल्दी हाथ लगाता नहीं है। तो ऐसा है कुछ या फिर क्या उसकी सावधानियां है आप अगर बताएंगे तो? सर मुझे 20 करीबन 20 साल तो मान लीजिए ऑयल पे काम करते करते, तो हालांकि अभी तक मुझे ऐसा कोई लगा नहीं कि इससे कोई मतलब कोई फिजिकली भी कोई नुकसान हो रहा है या कोई शरीर में भी इसकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कोई इससे अभी तक तो नहीं लगा। और दूसरी चीज ये है कि वो होता है ना सर कि हम जब काम करते हैं तो उसमें इतने डूब जाते हैं कि ये सब जैसे टर्पेंटाइन का ये आ रहा है पता भी नहीं चल पाता। Exactly. ये कब हो रहा है, और कभी कभी फिर उन खुशबुओं से इतना, अभी जैसे थोड़ी देर पहले आपने कहा, इतना अच्छा लगता है कि वो आती है तो मजा आता है, और ज्यादा मजा आता है। अभी जैसे मेरे पास ये, मुझे मेरे पास अभी कमरा बंद है पूरा और बाहर ठंड का मौसम है तो मुझे अच्छा लग रहा है, पूरा खुशबू आप ही ले रहे हो, उसकी खुशबू मैं ले रहा हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि सर वो खुशबू आप तक भी पहुंचे। क्या बात, सही बात।
तो मतलब इसका सार यही निकला कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है। वही है कि हमें थोड़ा सा ध्यान यही रखना है कि वो वेट रहता है कलर वगैरह, तो जी कहीं भी नाक में मुंह वगैरह में नहीं लगाना है, उसको क्लीन कर लेंगे अच्छे से तो नॉर्मल है, क्योंकि पिगमेंट वही यूज होते हैं जो वाटर कलर में यूज हो रहे हैं, जो एक्रेलिक बस है, बस इसका बेस चेंज होता है। बेस चेंज होता है, राइट। और फिर वो रहता ना सर, इंसान का जो नजरिया है ऑयल को लेकर, वाटर कलर को लेकर, सबको अपना अपना है। सही बात है। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ। कैडमियम अगर आप कलर यूज करते हैं जिसमें कैडमियम है, थोड़ा जी सा केयरफुल आप रह सकते हैं, नहीं तो आजकल कैडमियम फ्री कलर भी थोड़ा कॉस्टली आता है, मिल जाता है, तो जी बाकी कोई ऐसा इसमें है नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। आग लगा दो। जी बिल्कुल बिल्कुल। अभी तक वही कलर शेड चल रहा है सर। अभी तक सर मैं उसका जो इम्प्रेशन है, जहां से थोड़ा सा अब मैंने ब्राउनिश कलर और मैंने उसमें ग्रे और व्हाइट ऐसे दो तीन कलर मिक्स करके एक जो इम्प्रेशन है उसका, वो इम्प्रेशन थोड़ा सा मैं रख रहा हूँ ताकि उसका जो कैरेक्टर है वो जाए नहीं और वो बना रहे। और मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी आर्टिस्ट हैं, मैंने भी जैसे स्टडी की कुछ आर्टिस्ट वगैरह पे जो ऑल मास्टर रहे हैं, तो लगभग लगभग सबने अलग अलग बातें रखी है ऑयल को लेकर और अपने काम की टेक्निक को लेकर। तो मुझे लगता है कि ये कोई भी मतलब ऐसा कोई वो नियम में नहीं है कि व्यक्ति का जो एक्सपीरियंस है वही नियम बन जाता है। सही है। ऑयल ऑयल कीजिए तो इत्मीनान रखिए, है ना। जी सर, थोड़ा सा मतलब ये है कि इसमें मतलब बोलते हैं ना कि हम भाग नहीं सकते, मतलब आराम से जितना आराम से हो उतना आराम से इसको। भागना भी नहीं चाहिए, ये है ही, फील करने वाली चीज है। हाँ सर का, सर ने प्रमोद सर ने भी जो उस दिन डेमो दिया था तो मैं देख रहा था, करीबन 4 घंटे के आसपास तो लिए थे सर ने, और आराम से, ऐसा और नहीं आराम से हड़बड़ी लिए। कर हाँ रहे थे, बिल्कुल तभी सॉन्ग लगे थे, सब था, बहुत मजेदार जी टाइम। जी जी और इसमें सर वैल्यू, जैसे मैंने एक चीज, मैं अपनी बात कर रहा हूँ यहाँ की, कि कई बार ऐसा ना आर्टिस्ट वैल्यू पर काम करते हैं, जैसे डार्क से लाइट की तरफ, है ना, ऐसे करके। और कई बार आर्टिस्ट फील पर काम करते हैं, वैल्यू उसमें ऑटोमेटिक आ जाती है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो फील से काम करते हैं ना वो ज्यादा अच्छा है। वैल्यू में क्या होता है, आर्टिफिशियल हो जाता है कई बार। हम जैसे जैसे ये नोज है, अब मैं इसको डार्क से इधर लाऊंगा लाइट की ओर, तो हो सकता है कि 9 वैल्यू या 7 वैल्यू में हम उसको वहां तक ले आएंगे और उठा देंगे, वो आ जाएगा। लेकिन बाकी फिर वो उसमें उतना आनंद नहीं आएगा जितना हम फील करके जो पेंटिंग को बनाएंगे उसमें भी, उसमें भी वैल्यू तो रहेगी डार्क से लाइट की ओर, लेकिन फील ज्यादा रहेगी उसमें, तो वो ज्यादा आनंद देता है। थोड़ा बोल्ड स्ट्रोक्स होता है उसमें ना। हाँ जी हाँ जी, उसमें थोड़ा सा बोल्ड बोल्ड स्ट्रोक स्ट्रोक रहते हैं। और मैंने ये भी नोटिस किया है कि एक फोटोग्राफ और लाइव बनाने में अंतर ये है कि लाइव है ना एकदम जीवंत हो पड़ता है, और फोटोग्राफ में हम रंगों को पकड़ नहीं पाते हैं क्योंकि कैमरा इतने रंग पकड़ नहीं पाता, वो एक मिनिमम जितने होना चाहिए लाइट एंड शेड, और उसमें वो हमको कैद करके दे देता है, और हर एक कैमरा हर एक कलर स्कीम अलग देता है। तो ये भी मेरे हिसाब से उसमें उसमें भी एक वो है कि यार हमें उसके उसके चक्कर में भी नहीं आना चाहिए। अगर हम लाइव करते हैं तो हमको मतलब फोटो उस से जी जहां तक ड्राइंग करने आसान रहता है, बट अगर हम कलर करते समय उस, अगर सामने बिठा के करते हैं उसमें शायद अच्छी तरह हम उस डेप्थ को समझ पाते हैं लाइव में जी ना। जी 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 बिल्कुल 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 सही कहा सर। तो राजेश जी, हमारे मृत्युंजय सर एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जी क्या हम जो बिगर शेप है उसको कवर करने के लिए बड़ा फ्लैट ब्रश यूज करें और फिर उसके बाद हम जो है स्मॉलर ब्रश यूज करें, ये सही टेक्निक है क्या। बिल्कुल सही है सर, ये सही टेक्निक है।
अगर हम उससे फिर हम ऑटोमेटिकली सर ब्रश फिर धीरे 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 ना छोटे होते चले जाते फिर धीरे धीरे अगर डिटेलिंग में काम करने अगर आगे बढ़ते जाते हैं तो, पर शुरुआत में तो थोड़ा सा बड़ा बड़े ब्रश से ही जो है उसको फिलअप करते हैं। ओके तो एमजे भाई अगर आपको आपका क्वेश्चन यही था तो और आपको जवाब मिला तो सही है, नहीं तो आप खुद भी माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई बात सर। एमजे सर को मेरा नमस्कार कहिएगा सर। नमस्ते नमस्ते, एक्चुअली मेरी बेटी है इधर, वो शोर कर रही है इसलिए मैं क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा हूँ। ओके सर, कैसे हैं सर? मेरा एक्चुअली क्वेश्चन ये था कि आप अभी जो ब्रश से कर रहे हैं वो बेसिकली एक ऑयल स्केच है, करेक्ट? जी जी सर। आप छोटा ब्रश इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि ये अभी आपने जो पेंसिल स्केच किया उसके ऊपर आप मार्किंग करके उसका एक ऑयल स्केच बना रहे हैं, उसके ऊपर फिर आप बड़ा ब्रश यूज करके कलर भरेंगे, राइट? जी जी सर, जी सर। पर मैं जी जी बिल्कुल सर उसी तरह से। और पहली बात ये भी है सर, इतना मतलब जैसे जिसमें अगर बड़े ब्रश का इस्तेमाल करना हो ना तो जो फैन ब्रश जो है, हाँ एक मिनट मैं पता ही है, हालांकि आपको और दिखा देता हूँ इस तरह का, हालांकि मेरे पास इतना ब्रांडेड नहीं है, नॉर्मली है, तो ये हम यूज कर सकते हैं फैन उसमें, और थोड़ा सा मतलब बोल्ड अगर हमको शुरुआत में थोड़ा सा और बोल्ड इंप्रेशन देके आगे बढ़ना है तो हम इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट, इससे इससे जो वो है क्या बोलते हैं स्ट्रोक्स है और कुछ इंप्रेशन है वो अच्छा आता है सर। हाँ, स्ट्रोक सब्जेक्ट से बाहर चले जाएंगे और थोड़ा मतलब लगेगा ऐसे फ्लो में वो हुआ है वैसा। जी 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 सर, जी सर। कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। अभी जो कलर चेंज किया उसमें क्या क्या कलर है सर? हाँ सर, इसमें मैंने थोड़ा सा पर्शियन ब्लू मिलाया है और कोबाल्ट और ये अपना ब्रंट अम्बर और थोड़ा सा रेड जो है वर्मिलियन और उसमें थोड़ा सा व्हाइट टच करके उसको एक हल्का सा डार्क किया, उसको हल्का सा। थोड़ा सा ब्रश जो है चेंज कर रहा हूँ, वो ब्रश मुझे जम नहीं रहा है तो मैं ब्रश चेंज कर रहा हूँ सर। सॉरी मैं माइक बंद में ही बोल रहा था। तो अंकित अगर आप अभी थोड़ा और क्लोज कर लेंगे ना जितने में हमारा सिर्फ पोर्ट्रेट है। मैं ना मैं समझ रहा हूँ इसमें शायद ऑटो फोकस की वजह से जो हाथ आ रहा है सामने वो उस पे फोकस हो जाता है। अच्छा, अगर क्लोज करेंगे तो वैसा हो जाएगा है? हाँ, हाथ अगर जैसे नीचे होगा ना वापस फोकस। मैं फिर भी एक मिनट ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा क्लोज आ गए और फिर कंफर्टेबिलिटी जोन पापा खत्म हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं उनको कंफर्ट होना भी है वैसे। नहीं नहीं बिल्कुल कर लीजिए। मैं अगर और क्लोज करूँ तो फिर इसमें ना एक तो जूम का ऑप्शन नहीं है ना, जूम में जूम ही नहीं है, ये तो बहुत स्कैम है। जूम में जूम नहीं है। क्या बात है, जूम में जूम नहीं है। नहीं अच्छा है, ठीक है। वो थोड़ा सा मेरा जब भी हाथ जाता है ना तो फिर सर फिर थोड़ा सा वो उस तरह का फिर बिल्कुल उसका प्रभाव हो जाता है।
नहीं ठीक है, मुझे अच्छा दिख रहा है कंप्यूटर में। अच्छा अच्छा और सर एक चीज और है पोर्ट्रेट के समय की, जो मैंने कहीं ना कहीं मतलब पढ़ा है इसमें कि जितने भी फ्रेश रंग है वो और जितने भी ब्राइट कलर हैं, जैसे फ्लोरोसेंट सेचुरेशन, जिसकी सेचुरेशन की हम बात करते हैं, तो वो शुरुआत में थोड़ी सी डल रखना चाहिए हमें। ओके, हर कलर को थोड़ा सा अप करके चलना है, मतलब डाउन करके रखना है, राइट? डाउन 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 करके, डाउन करके। तो उसमें न्यूट्रल न्यूट्रल कलर्स मिलाना है क्या, व्हाइट है जैसा या येलो कलर है? और व्हाइट व्हाइट अगर मिला लेते हैं, और अगर मान लो सैचुरेशन को डल करना है तो हम उसमें ब्रेड अम्बर और पर्शियन ब्लू व्हाइट अगर ऐसे करके हम उसको मतलब डल कर सकते हैं उसकी सैचुरेशन को। करेक्ट, ओके, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो पोर्ट्रेट फैमिली पोर्ट्रेट बताया था तो वो मैंने सैचुरेशन बढ़ा के किया है, क्योंकि वो जो क्लाइंट है उनकी डिमांड भी वैसी है और वो चाहते भी वैसे ही है। वो कमीशन वर्क में तो वो करना ही पड़ता है वो चीजें। हाँ वो चीजें करना ही पड़ता है, पर बाकी जब हम कुछ आर्ट के लिए या अपने लिए कुछ एकेडमिक काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो उसके लिए फिर हमको उस तरह से माइंड सेट करके काम करना पड़ेगा। जो मोबाइल में देख रहे हो इस सेशन को, वो लैंडस्केप मोड में देखिए मोबाइल को, तो थोड़ा बड़ा दिखेगा आपको। और अगर फिर भी नहीं दिख रहा है तो सर की तरह कंप्यूटर पर देखिए। तो मेरी तरह शिकायत नहीं करोगे? नहीं दिख रहा है, अच्छी तरह से दिख रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो ये कमर्शियल और आर्टिस्टिक वर्क में क्या डिफरेंस है राजेश जी? कमर्शियल और आर्टिस्टिक वर्क में ये डिफरेंस सर कि कमर्शियल जो है वो क्लाइंट की डिमांड पर किया जाता है, वो जो चाहते हैं उस तरह से उनको वैसे ही करके देना पड़ेगा। लेकिन आर्टिस्टिक में तो हम स्वतंत्र है, आजाद है, हम अपने अपने तरीके से कलर ब्रश और स्ट्रोक्स वगैरह फ्लो वगैरह में खेल सकते हैं उसको। लेकिन वहां हम आजाद नहीं है, उसमें तो हम कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं ना। वो अगर हमने जैसा काम किया और अगर उनको नहीं पसंद आया तो फिर वो चले जाएगा। तो जो कमर्शियल वर्क होता है हम दूसरों के लिए करते हैं, और आर्टिस्टिक वर्क होता है हम खुद की संतुष्टि के लिए काम जो करते हैं। हाँ जी हाँ जी, स्वांत सुखाए। जैसे सर यहाँ पे राजेश जी दो सवाल यूट्यूब से आ रहा है जी। एक्चुअली बता दूं कि इसके साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे भी वो चल रहा है कलरम के, तो वहाँ पर भी हमारे बहुत सारे दर्शक है, आर्टिस्ट है, देख रहे हैं और सवाल भी वहाँ कर रहे हैं। तो एक का सवाल है कि जैसे वो फंगस वगैरह आ जाते हैं ऑयल पेंटिंग में, तो उसका क्या सोल्यूशन है उसको, मतलब बाद में जैसे दो चार साल बाद या जो भी बाद में फंगस आता, उसका क्या सोल्यूशन है? जी सर, उसका सर सोल्यूशन ये है कि अगर उसमें उसको पेंटिंग को निकाल कर, अभी तक मैंने जितनी भी पेंटिंग्स की और जहां जहां भी गई और वहां पे फंगस हुआ है, तो मैंने भी कई बार जाके वहां जाके और लोगों को बताया और मैंने खुद ने भी ट्राई करके देखा, तो उसमें ये तरीका है कि पेंटिंग को निकालो आराम से और हल्का सा मतलब जैसे सर्फ का जो पानी होता है ना उसमें कपड़ा भिगो करके, और फिर उसको धीरे 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 करके ऐसा उसमें रेसे ना पड़े, ऐसा करके उसको साफ करके उसको है ना पूरा दिन धूप दिखाना पड़ती है। ओके, तो वो फिर अच्छे से धूप अगर मिल जाती है उसको फिर, और सबसे पहली बात तो कैनवास को पीछे से अच्छे से साफ करना पड़ता है पीछे से। ओके, तो वो जो फंगस है वो फिर चले जाती, फिर नहीं रहती उसके ऊपर। और अगर और लगने का कारण ये है कि कहीं कलर और लिंसिड ऑयल का प्रयोग ज्यादा, या फिर कहीं पिगमेंट भी है, कुछ ऐसे पिगमेंट्स हैं जिन पर लगती और आजकल तो मार्केट में जैसे विंसेंट, एक्चुअली क्या होता है कि हम कैनवास है इसका भी रिजल्ट अच्छा आ रहा है सामने। हाँ एक्चुअली क्या है कि हम थोड़ा सा सस्ता देख के या ऐसा कुछ देख के काम करते हैं, बट उसका असर दो चार साल बाद में आ सकता है कि उसका फंगस आता है या कुछ। आपने मान लो ब्रश से साफ करो, केरोसिन से साफ कर लिया हो या तारपीन नॉर्मल उससे साफ कर लिया हो, उसका भी थोड़ा असर पड़ सकता है पेंटिंग के अंदर। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अधिकतर तो सर यही देखने में आ रहा है सर। ओके, तो
तो वो अच्छी तरह ड्राई करने के बाद कुछ वर्निश वगैरह ऐसे कुछ लगाना है क्या उसके ऊपर, ऐसा क्या कुछ सर वार्निश का? तो सर वार्निश का सिस्टम तो ऐसा है कि पेंटिंग कम से कम 5 से 6 महीने ऑयल कलर की पेंटिंग सूखी होना चाहिए तभी वार्निश करना चाहिए। ओके okay. 5 से 6 महीने तो कम से कम वो सफाई करने के चाहिए। बाद एक बार वार्निश कर सकते हैं वो ना, तो मान जी लो बिल्कुल बिल्कुल, फिर उसके बाद वार्निश कर सकते हैं सर, वो ओके उसका एक बोलते ना प्रोटेक्शन प्रोटेक्ट करेगा फिर उसको। अच्छा ये एक प्रीति जी कह रहे हैं कि सर मैंने आज तक ऑयल कलर नहीं यूज किया है, तो मुझे फास्ट क्या ट्राई करना चाहिए ऑयल में? आज तक उन्होंने ऑयल ऑयल कलर ट्राई नहीं किया तो क्या प्रश्न था सर एक बार फिर से? हाँ, उन्होंने अभी तक ऑयल कलर टाइम ट्राई नहीं किया, तो उन्होंने वो चाहते कि ऑयल कलर शुरुआत करे, तो शुरुआत में क्या ऐसा सब्जेक्ट करे कि शुरुआत ही क्या कहाँ से होना चाहिए ऑयल स्टार्ट करने के मेरे लिए? हिसाब से शुरुआत में या तो स्टील लाइफ बनाना चाहिए, स्टील लाइफ सबसे बेस्ट है क्योंकि वो स्थिर है और वो स्थिर में वो उसके उसके कलर को उसके रंगों को और उन सारी चीजों को समझ पाएंगे, तो मेरे हिसाब से स्टील लाइफ से शुरुआत करना चाहिए, स्टिल लाइफ में भी बहुत छोटे सब्जेक्ट, मान लो स्टार्टिंग में एक छोटे एप्पल, सब्जेक्ट एक एक पॉट से। जी एक वहां से स्टार्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल सर एक एक चीज बोलना चाहूंगा। बोल जी दीजिए। जी ऑयल, हाँ ऑयल पेंटिंग को साफ करने के लिए आपने कभी ब्रेड का यूज किया है? ब्रेड ब्रेड मतलब जो खाते हैं ब्रेड, नहीं सर इसके बारे में नहीं आपको सर। पता है क्या? ये एक्चुअली मैंने एक शो देखा था काफी समय पहले, जिसमें जी मुझे पता चला था कि जो खाने का ब्रेड होता है उससे अगर आप ऑयल पेंटिंग को उसको रगड़ेंगे तो वो अच्छा अंदर का जो काई है और जो जो फंगस उसके कपड़े के अंदर जो फंस जाते हैं वो ब्रेड क्या होता है, इरेजर की तरह काम करता है और वो सारी चीजों को बाहर निकाल देता है। और आप इसको सर्च भी कर सकते हो इंटरनेट पे, मैं ये मतलब मुझे बहुत पहले से पता है, मेरे घर में भी जो पुराने मैंने पेंटिंग्स बनाए थे जो थे उसको मैं ब्रेड से ही साफ किया करता था और काफी अच्छे से साफ होता है, मतलब काफी दिनों तक वो अच्छा रहता है। तो ये आप एक वाह बार भी सर्च कीजिए, जो खाने का ब्रेड होता है जब जी वो जी जब जब वो ब्रेड सोचिए दो दो 3 दिन पुराना हो गया तो और अच्छा है, मतलब थोड़ा हार्ड हो जाएगा ना, तब उसको ऑयल पेंटिंग के ऊपर आप उसको रब कीजिए, रब करने के बाद उस वो ऑटोमेटिक मतलब वो इरेजर जैसे उसके उसके ग्रेन्यूल्स निकलेंगे और वो पूरा का पूरा जो जितना भी अंदर में कचड़ा है, धूल प्लस काई और जो भी काई मतलब जो फंगस है वो सबको निकाल देगा वो। वो मैंने यूज किया है और काफी ओके अच्छा है, आप एक बार सर्च कीजिए इसके बारे में, ये सही भी सही सही है ये, नया टेक्निक। ऐसा बहुत से लोग ऐसा करते हैं। चलो ओके ओके सर बट एक और बता दू, नॉर्थ इंडिया में ये प्रॉब्लम नहीं आता है फंगस वाला, ये बहुत बहुत ही कम प्रॉब्लम है नॉर्थ इंडिया में, बरसातों में भी ऐसा देखने को नहीं मिलता है कि इधर किसी ऑयल पेंटिंग के ऊपर फंगस आए। और ये मौसम के ऊपर डिपेंड करता है सर, वहां के एटमॉस्फेयर जो है। नहीं ये मुंबई फंगस भी और धूल साइड निकालने के लिए भी यूज होता है। तो महाराष्ट्र साइड और उधर उधर एरिया में बहुत से लोगों का, बहुत से क्या ज्यादातर लोगों का यही इश्यू है कि फंगस ग्रोथ होता है, तो वो ये तरीके यूज कर सकते हैं जो भी शेयर किए सर ने। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया सर। तो यहाँ पे देख जी सकते हैं कि राजस्थान का जो हर एक स्ट्रोक्स है ना, वो जी मतलब ऐसे ही नहीं कलर उठाया और लगा दिया। तो आप सभी अच्छी तरह फॉलो कीजिए, फंगस भी निकलता जाएगा और ये आप कहीं ना कहीं ये छूट रहे हैं आपसे। तो देखिए हर एक स्ट्रोक्स में मतलब काफी सोच रहे, और ऐसा नहीं यूं उठा के लगा रहे, कहीं छोटे छोटे व्हाइट स्पेस छोड़ना, ये मन में सवाल जरूर रखिए और अच्छी तरह से देखिए कि ताकि आपको साथ साथ में ये अच्छी तरह समझ में आए। बिल्कुल बिल्कुल सही। क्वालिटी सर ठीक क्वालिटी कैमरे की सही आ रही है? हाँ परफेक्ट। बढ़िया ओके सर।
आप उसी आपने जो कलर बनाया था उसी में आप वैल्यूज थोड़ी अप एंड डाउन कर रहे हैं ना? जी जी सर, जी सर। हालांकि सर मैं चाह रहा हूँ कि मुझे वो उसकी जो सही वैल्यू है कलर की, वो मतलब उसके जो मतलब होता है ना कि इंसान का जो स्किन टोन होता है, और हम कई बार जैसे उसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि यार कभी कैमरा उसको गोरा बताता है, कोई कैमरा उसको रेडिश टोन पे बताता है, कोई कोई उसको मतलब बैंगनी या कोई व्हाइट या कोई येलो पे। हर एक कैमरे की और हर एक मोबाइल के कैमरे की भी अपनी अपनी मतलब क्वालिटी है उसको बताने की। पर मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा जो हमारे आंखों की जो लेंस है, तो हम भी जब देखते हैं, अगर मान लो 10 आर्टिस्ट बैठे हैं और 10 आर्टिस्ट एक ही मॉडल को अगर बना रहे हैं, तो वो क्वालिटी मुझे लगता है कि इंसानों के अंदर भी है, और हम उसको कैसे फील कर रहे हैं। मैं हो सकता है कि उस जगह पर बैंगनी देख रहा हूँ और आप उसी जगह पर रेडिश देख रहे हैं या ब्राउनिश देख रहे हैं, तो ये काम करते करते हमारा एक नजरिया बनता है ना फिर, और फिर हम कुछ आर्टिस्ट वगैरह जो है जिन पर हम स्टडी वगैरह करते हैं, मुझे लगता है कि कोई ना कोई आर्टिस्ट तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव में रहता ही रहता है, ये तो मैंने देखा। तो उस आधार पर फिर हमारे जो है ना काम करने का जो तरीका है, या हम जो काम को, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यार जॉन सिंगर सर्जेंट और रिचर्ड स्मिथ जो है, वो उनसे मैं उनको मैं काफी समय से पढ़ रहा हूँ, पर ये बात फिक्स है कि उनकी कलर स्कीम वहाँ के लोगों की जो कलर स्कीम रही वो रही, और उन्होंने स्वाभाविक तौर पर पैलेट पर उनके रंग जो है ना उस तरह से बने, जैसे उन्होंने कैसे बनाना चालू किया कि जैसे लेमन येलो लिया, और लेमन येलो में उन्होंने सबसे पहले मिलाया कैडमियम रेड, और कैडमियम रेड को थोड़ा सा ऑरेंज किया लेमन येलो से, और उसमें फिर उसे अल्ट्रामरीन ब्लू मिला दिया। अब अल्ट्रामरीन ब्लू मिलाने से वो ग्रीन हो गया, अब ग्रीन मिलाने से फिर उसमें व्हाइट मिला के और थोड़ा सा रेड का टोन और बनाने से वो स्किन टोन को ले आते हैं। तो वो उन जो बहुत सारे आर्टिस्ट का मैंने देखा कि यूरोप में इस तरह की कलर स्कीम बनती है यूरोपियन आर्टिस्ट की, क्योंकि वो वहां की जो कलर स्कीम है लोगों की वो इस तरह की है। अब हम इंडियन कलर स्कीम पर काम कर रहे हैं ना, तो हम ये विधि बिल्कुल भी नहीं अपना सकते हम। अब मैंने कहा ना, मैं उनको जरूर पढ़ रहा हूँ उनकी वो चीजें, लेकिन वो यहाँ काम में नहीं आ रही, उनकी कलर टोन यहाँ काम में नहीं आ रही है, तो फिर क्या किया जाए? तो फिर वही है कि हम जो यहाँ की कलर टोन किस तरह से आएगी, कि पहले कलर हम येलो उठाएं या येलो लेमन येलो की जगह येलो आकर उठाएं, और उसमें कैडमियम रेड की जगह हम हो सकता है कि हम उसमें क्रिम्सन अल्जायरन क्रिम्सन रेड या वर्मिलियम रेड मिलाएं, और फिर उसमें थोड़ा सा ब्रंट अम्बर करके और थोड़ा सा अल्ट्रामरीन टच करके या पर्सन ब्लू टच करके फिर उसमें व्हाइट डाल करके फिर कलर टोन उसकी बनाई जाए। आवाज आ रही सर? हाँ हाँ ओके। किसी का सवाल है ब्रशेस कैसे धोना है, तो उसका आंसर अभी नहीं देना है, वो एंड में देना है। सर बिल्कुल बिल्कुल, धोकर दिखाएंगे। धोकर दिखाएंगे सर, जब तक नींद ना लग जाए सर किसी को। आंसर दिया जाएगा लास्ट में, क्योंकि लास्ट में धोया जाएगा ना। पता चले कि डेमो करते करते सर सो गए, मैं अकेला ही चल रहा हूँ इधर। जी नहीं, ये नहीं जाएंगे, ये सीखने वाले हैं, नहीं जाएंगे। अभी सर जानना चाहूंगा सर, कितने लोग जुड़े हुए हैं अभी? 22+23 YouTube 23, यहाँ पे 22। अच्छा अच्छा, अरे वाह सर, गजब। मुझे लगता है सर आर्ट फील्ड में
चाहे वो वाटर कलर हो या ऑयल कलर हो या एक्रेलिक हो, कोई सा भी माध्यम हो, कभी पूरा नहीं हो सकता है जी। जितना हम उसमें जितना काम करते हैं उतना नहीं आज तक किसी का पूरा हुआ नहीं आज तक कोई पूरा हो। सही कहा सर। एक्चुअल में इस बार तो सर मैं जैसे ही वहां कानपुर आया ना और सभी से मिला ना सर, मुझे अभी सर ने कहा ना कि मुझे इतनी तकलीफ आ रही सर, मुझे कुछ भी पता नहीं चला सर उसका, और मैं उसका जिक्र बिल्कुल भी क्या मेरे दिमाग पे, मैं बताना क्या चाहूं मैं खुद भी नहीं सोचता हूं, पर मुझे वहां मिलकर सबसे बहुत अच्छा लगा। लेकिन बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे, मैं तो सीखने के लिए गया था वहां पर यार। इतने आर्टिस्ट आ रहे हैं और सबके काम बहुत अलग अलग नहीं सर मैं हूँ, मैं देख रही हूँ डेमो साथ में नहीं तभी डाउन है तो रेस्ट कर सकते हो। नहीं नहीं सर आई एम ऑल गुड आई एम लुकिंग सर जी। इस मैं चिंते सर को बोल रहा हूँ सर, ये सभी फौजी हैं फौजी अरे क्या बात है सर, मजा आ रहा है। लेकिन राजेश सर अच्छा सर, अरे सर थैंक यू सो मच सर। कौन सी ऑयल का फर्स्ट डेमो है जी सर मेरा? नहीं नहीं कलर इसे 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 पहले दो डेमो हो चुके हैं, एक एक हुआ था सही पार्लेकर मैम का और एक हुआ था चिन्मय पांडा सर का। पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ये दूसरा है, चिन्मय पांडा सर का पहला हो गया, पहला राजेश सर का ही होना था लेकिन सर बहुत बिजी रहते हैं, सर के पास इतना कमीशन वर्क रहता है कि रात रात भर लगे ही रहते हैं सर तो जिनको ऐसा लगता है ना कि आर्ट फील्ड में पता नहीं करियर बनेगा नहीं बनेगा, हमें पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अगर आपका काम अच्छा है ना, आप किसी भी फील्ड में हो आप उसमें बेस्ट हैं, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, तो बेस्ट होना पड़ता है। तो राजेश जी का काम वैसा ही है, वो काम बोलता है और इसलिए वो बिजी रहते हैं सर बहुत काम आता है सर, मैं छोड़ देता हूँ आते तो। और मैं आपको बता दूं मुझे इंस्टाग्राम से भी सर, जैसे मऊ में चलो गैलरी है तो वहाँ आरबी का है तो चलो मिलता है, लेकिन इंस्टा पे भी अभी अभी मैंने देखा करीबन करीबन 30-35 पोर्ट्रेट है ऑर्डर होंगे उसमें इतने, मैंने अभी जिनको रिप्लाई नहीं किया था, मैं उधर कानपुर तरफ भी था। तो बिल्कुल, तो आप देखने वाले समझ सकते हैं कि वो और अच्छा खासा चार्ज करते हैं सर पोर्ट्रेट के लिए। हाँ, और उसके बाद भी पेंडिंग में रहते हैं ऑर्डर और इनको मना भी कर, अर्जेंट वाले ये करते नहीं है, इन्होंने हमारी बात होती रहती है तो सर कह रहे थे कि अर्जेंट वाला काम मैं करता ही नहीं हूँ सर मैं टाइमिंग भी अच्छा खासा है, दो महीने की वेटिंग पे तक काम टाइम दे रहा हूँ मैं, आप बात मानेंगे। और अभी जो मैंने फैमिली पोर्ट्रेट बनाना ये भी मध्य प्रदेश के धार जिले के एसपी हैं ये भी सर। ओके क्लाइंट भी अच्छे मिलते हैं और हालांकि उससे मतलब नहीं है लेकिन काम से मतलब है कि हम भले हमारे लिए नॉर्मल मेरे गांव का भी अगर मुझे पोर्ट्रेट मिलता है तो सर मैं उसको भी उतनी मेहनत कर देता हूँ। उससे पहले ये देखना है कि हमें ये पेशेंस है क्या ये इस तरह से डेमोस को पूरा देखने की, है ना? वाह 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 क्या बात है सर। अगर ये हमें देखने के पेशेंस है तो फिर हम सीख सकते हैं, फिर सीखेंगे तो आगे का स्कोप दिखेगा। क्या बात है सर। अगर हम कुछ सीख ही नहीं पाएंगे और इतना धीरज नहीं है तो फिर आपके लिए ये फील्ड नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं एक बात बताना चाहूंगा वासुदेव कामत सर का और प्रमोद सर का जब डेमो हुआ था ना तो मैं एक सेकेंड के लिए भी मैंने मतलब अपनी मतलब कहीं गया नहीं,
एक सेकंड के लिए भी मुझे मुझे मालूम था वो कितना भी लंबा हो कुछ भी हो, पर मुझे देखना है तो देखना है ऐसा। मैंने हमने अभी वीडियो चला के देखा था तो उसमें सिर्फ मतलब ऐसा नहीं, स्टूडेंट्स वहां पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट है और एकदम चेयर पे नीचे बैठ के बिल्कुल पूरा टाइम उन्होंने देखा ही है। तो जी जी वही है ना, सीखने के लिए भी थोड़ा सा मतलब होना चाहिए। तो मॉडल भी अच्छी थी ना इसलिए तबने देखा। ठीक सर मैम आगे बहुत सही। नहीं वो तो आप सर की बात कर रहे हो शायद, बाकी तो वो प्रमोद सर की बात कर रहे हैं। तो खैर तो बहुत अच्छा था, वेरी गुड। वैसे सारे दो सारे मॉडल अच्छे थे हमारे, और चाहे दीन वाला भी ले लेते तो वहां से लेकर के सारे मॉडल अच्छे ही थे। अब थोड़ा पूरा हुआ पढ़ना ले मैं राइट मार दा, मैं मार दा राइट। लेकिन ये सर बहुत अच्छा है कि हम अपनी जगह पर रह के मतलब कहीं से भी अटैच होकर मतलब एक दूसरे के काम को देख सकते हैं और उसको मतलब सीख सकते हैं, तो ये कितनी अच्छी सुविधा है। एक्चुअली इस सेशन में सर हमारे तकरीबन 50-60-100 तक जाता है। अभी बीच में क्या हुआ, हमारा ब्रेक लग गया, जैसे कानपुर जाना और पहले बुद्धि, तो जिसके कारण क्या लोगों को थोड़ा बिखर गया थोड़ा। तो फिर करेंगे, फिर वो फिर से जुड़ेंगे। ओके ओके। अभी सर अब आउटडोर कहाँ जाने वाले हैं आप? मतलब ये इवेंट लाइक हाँ जी हाँ जी। एक तो हम बेंगलोर आ रहे हैं, मैं सर और सिकंदर सर बेंगलोर में 6, 7, और 9 जनवरी में वर्कशॉप रखा है, और उसके बाद हमारा खिजुराव होने वाला है मार्च में, उसका डेट रेसिडेंशियल वर्कशॉप होगा मार्च में। तो जी 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 काफी अच्छा होने वाला है खिजुराव का वर्कशॉप, तो अभी से दिख रहा है मतलब। जो जो कोई भी खजुराहो नहीं आ सकता वो कलारम के YouTube चैनल पर जाकर बूंदी के वीडियो मत देखिएगा, नहीं तो फिर आपको आए बिना रहा नहीं जाएगा। क्या बात है? एक नहीं चाहिए सर। देखो कितना प्रेम से बना रहे राजेश सर। नहीं इतना प्रेम से बनाना पड़ता है। कोशिश कर रहा हूँ सर, कोशिश कर रहा हूँ सर मैं। बिल्कुल आप तो क्या तो सर कलारम के अगर कोई स्टूडेंट या फॉलोअर्स आपके पास आता है थोड़ा सा परसेंटेज उनको मिल जाएगा, कई कमीशन वर्क अगर कोई किसी का फैमिलीज का फोटो फोटो बनाना है तो? अरे सर क्यों नहीं सर, क्यों नहीं। नहीं इसके जरिए मैं ताकि यूट्यूब पर भी हो रहा है और यहाँ पे जूम में भी है, कोई भी अपना फैमिलीज का फोटो फोटो जो भी बनाना चाहते तो आपसे जरूर कॉन्टेक्ट करेंगे। तो जी जी बिल्कुल सर बिल्कुल, आपका बेस्ट दे दीजिएगा। अरे सर फैमिली का है। जी 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 बिल्कुल सर, ये तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात होगी सर। सर हाँ जी, मेरे वाइफ बोल रहे मुझे बनवाना है, आप तो बनाते नहीं हो, तो इनसे ही बनवाना पड़ेगा। अरे क्या बात है। उन्होंने अपने वाइफ को बनाया कि नहीं पूछो।
लाइव लाइव बनाया सर इन्होंने तो। अच्छा सर हमारी तो ऐसी वो है सर, हम घूम घूम के मतलब बनाते हैं सर, इधर से बाहर आ जाके। मैं तो आज है ना सर वही सोच रहा था कि यहाँ लाइव बिठाऊंगा, पर मैंने कहा यार मैं दिखाऊंगा कैसे कैमरे में यार, कैसे क्या करूंगा, नहीं तो मेरा तो मतलब लाइव करने का था। तो यहाँ पे वो सवाल भी याद आ गया, जब यहाँ पे कश्मीर में जब हम गए थे रेसिडेंसी वर्कशॉप में जी, वो जो जन्नत है ना मतलब कश्मीर का, हम सोनमार्ग में थे राइट कुल्स, तो वहां पे जो खूबसूरती था तो वहां पे सवाल किया था बिस्वाल सर ने कि अचिंता क्या फील हो रहा है और थोड़ा बताओ। मैं ऐसे काफी देर से मैं देख रहा था लोकेशन को, मैं बनाना कहाँ मतलब कहाँ से शुरू करूँ, तो ऐसे सर आ गया ये सवाल लेके कि अच्छा बोलो ऐसे आपके लोकेशन के बारे में या कंपोजिशन के जो भी है। तो मैं यही बोला कि अच्छे को अच्छा बनाना बहुत मुश्किल है। क्या बात है सर, उसके लिए भी और यही शायद तकलीफे हो रहा होगा। उसका गायब हो गया। हाँ सर ऐसा ऐसा बोल के खुश कर सकता हूँ मैं। हाँ बात तो ठीक है। वो मिल गया मुझे पॉइंट। बहुत ही अच्छा जा रहा है ये राजेश जी, बहुत ही अमेजिंग। थैंक यू सर। अच्छा आला प्राइमा में ये भी ध्यान रखना है आपको कि आपको स्पेस छोड़ना है ना थोड़ा, अगर आप आपके माइंड में वो चल रहा है तो, क्योंकि एक के ऊपर एक करते जाएंगे तो थोड़ा मडी हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? हाँ सर वो हालांकि एक के ऊपर एक तो जाएगा अभी ये, और इसमें यह रहता है कि जैसे अगर मान लो आप वैल्यू के हिसाब से जगह छोड़ रहे हैं, और अगर जैसे मान लो अभी ये जगह छुटी हुई है ना, थोड़ा सा भी इसके ऊपर लाइट की तरफ और एक थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा पिंक टाइप में कलर, थोड़ा सा लाइट तो उधर मैं जाना चाहूंगा। अगर हम कभी मान लो कि उसको ये वाला यहाँ हो जाएगा ऐसा, और फिर मैं वहां जाना चाहूंगा, हो तो जाएगा, लेकिन फिर जैसे वो एक 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 हम आनंद लेके चलते ना, फिर वो चीज नहीं हो पाती उससे। हम करेंगे उसको, जैसे कई बार जैसे कोई जगह, जैसे कहीं जगह हम जाते हैं और उस जगह जाने के दो रास्ते हैं, और हमको पता है कि यार वो वहां, लेकिन कई बार हमको वो हम वहां चले जाते हैं, कई बार हम जैसे शहर में घूम रहे हैं, शहर की बात बता रहा हूँ, और किसी स्थान पर जाना है हमें, तो हम चले जाएंगे उस स्थान पर, भटकते हुए चले जाएंगे इधर से इस गली में से उस गली में से, लेकिन जब सटीक पता चल जाए आपको कि यार ये कहीं नहीं जाना है और ये जो है ना ये एकदम सही तरीका वहां जाना, तो आप मतलब फिर भटकने का काम ही नहीं। तो वही चीज यहाँ मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसा वो करने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सही, बहुत सही। और होता है क्या सर, जैसे हर एक की चीज का एक अनुभव होता है ना, कि जैसे हमने हम वहां गए और हमने उन चीजों का अनुभव लिया, अब वो स्टोरी हम किसी को बताएंगे तो वो इतना थोड़ी ले पाएंगे, जो हमने आनंद लिया हम वो हमें पता है ना वो। किसी ने सवाल किया है जो कि हमारे आज के डेमो से थोड़ा ज्यादा ही हटकर है, तो मैं यही कहूंगा कि ऐसे सवाल आप किसी से पर्सनली आर्टिस्ट से सलाह ले सकते हैं, और या फिर कलारम का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, आप उसमें ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको अच्छी राय मिल पाएगी, क्योंकि ऐसे ही सभी अगर लीक से हटकर ही सवाल करेंगे तो वो डेमो जो है भटक जाएगा, है ना। सो प्लीज डोंट माइंड, है ना। इसका जो भी आपका क्वेश्चन है कि दिल्ली में एक ऑफलाइन क्लासेस का या कुछ भी, तो वो आप कलारम के ग्रुप में पूछेंगे तो वहां से आपको शायद कोई सही आंसर मिल जाएगा।
इस तरह से पेंटिंग में जो अधूरा में जो मजा आता है बहुत ज्यादा है ना, जो कुछ अधूरा छोड़ के हम जब काम करते हैं, बट अधूरा छोड़ने के लिए भी सीखना पड़ेगा क्या अधूरा रखना है। सही बात। ताकि वो अधूरा ना लगे, अधूरा होते हुए भी। हाँ हाँ मतलब वही। यहाँ पे वाटर कलर होता स्प्रे मार देता। नहीं हो गए सारे राजेश जी? जी एक्रिलिक और ऑयल के बीच में आपको कैसा लगा दोनों मीडियम, और उसके बारे में थोड़ा सा आपका खुद का वो बताइए। जी जी पहले मैं एक मिनट रुक कर मैं एक पेंटिंग बताना चाहूंगा जो मैंने एक्रेलिक से की है और पहली बार की सर, और पहली बार मैंने उसको जो है मतलब पहला मेरा स्टील लाइफ पेंटिंग है वो, और पहला एक्रेलिक कलर है। एक इसे भी एक मिनट बता रहा हूँ। गुड गुड अच्छा देखिए सर ये वाला कलर है। एक सेकेंड मैं किसी को म्यूट करता हूँ पहले। शिल्पी जी काहे को इतना शोर मचा के रखा? हाँ जी ओके क्या बात है। ये पहली बार बनाई थी मैंने एक्रेलिक से। देखो एक तो अगर आप एक्रेलिक नहीं बोलते तो हम ऑयल ही बोलते हैं इसको, क्योंकि ऐसा ही होता है मतलब। अच्छा, अच्छा। क्या बात है। ये सर 2009 में किया था मैंने। ये बहुत सारा ये पहला लाइव किया था मैंने और पहली बार एक्रेलिक से किया था मैंने, तो मेरे लिए मतलब एक्रेलिक भी मतलब ऑयल जैसे ही काम करता है। ओके पर मैं उसमें थोड़ी चीजें ढूंढ नहीं पाता हूँ, जैसे थोड़ा सा मुझे लगता है कि यार मैं थोड़ा गीले पे काम करूँ है ना, तो वो जल्दी सूख जाता है, तो इस वजह से मैं मुझे उसमें थोड़ा आनंद कम मिलता है बस। मतलब इस वजह से ब्लेंडिंग मिक्सिंग वगैरह करने के लिए ऑयल ठीक है ना, मतलब हाँ जी हाँ जी खेलने के लिए थोड़ा। जी 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 बाकी एक्रेलिक भी अपनी जगह पर अच्छा वो है मीडियम है, कोई डाउट नहीं है। मैं थोड़ा सा ब्रश चेंज करने में थोड़ा मुझे समय लग रहा है, मैं ब्रश थोड़ा सा देख रहा हूँ। हाँ ठीक है मिल गया, तो थोड़ा सा छोटे ब्रश की ओर जा रहा हूँ मैं। जी जी और अब उसकी जो पेंटिंग में जैसे थोड़ी हल्की हल्की सी डिटेलिंग होती है ना उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करूंगा मैं। जरूर। तो अभी तो मैं फिलहाल वैसे भी डार्क और डार्क की तरफ इसमें थोड़ा 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 जाना चाह रहा हूँ मैं, मुझे लग रहा है कि गुंजाइश है।
सर ये फोटोग्राफ भी कानपुर में लिया था मैंने। रिकॉर्ड करें तो चलेगा। तो एक आपने ये बोर्ड के ऊपर स्टेपलर कर लिया राइट या उसको रोल को काट के? जी जी सर, जी सर। उसे भी टाइट करने के लिए कुछ टेक्निक्स है क्या, जैसे कि कई बार गीला करके करते हैं, ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना। नहीं सर, बस वो स्ट्रेच जो लकड़ी पर करते हैं बस वही है सर, मैं तो हमेशा वही करता हूँ, स्ट्रेचर जो हमने वहां पे अभी काम किया था स्ट्रेच पर, उसमें थोड़ा स्विंग करता है, थोड़ा अच्छा होता है ऐसा सुनने में आता है ये बात। थोड़ा प्रभाव पड़ता है सर उसका, हालांकि ये जो ये है साइज थोड़ा सा ऐसा बल ऐसा था कि मेरे पास स्ट्रेचर इसका था नहीं, मैं अपनी गैलरी पे से ही आ रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही आया मैं वहां से। और मुझे तो सर है ना रात भर काम करने की आदत सी है, तो मैं मुझे तो अभी वैसे ही लग रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ, पर ऐसा नहीं पूरी रात आपकी नहीं होने दूंगा, मैं जितनी कोशिश है मेरी ये अच्छा बने और थोड़ा टाइमिंग का भी मैं ध्यान रखूँ। मैंने कोई इशू नहीं है सर, टाइमिंग का कोई इशू नहीं है, आप आराम से कीजिए। थैंक यू। बेटा भी जो है स्टडी कर रहा है साथ साथ में। ओके। खुद से ही करता है, खुद से ही पसंद करता है। हाँ जी, हाँ जी सर, फिर तो ठीक है। अच्छा किया उनको लेके आया, ताकि बच्चों को भी इस तरह से इवेंट देखना चाहिए, ताकि उनको। जी 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 सर, बिल्कुल, उसकी बड़ी इच्छा थी। नहीं, अच्छा कि मैं देखना चाहता हूँ कैसा होता है।
आपके स्टूडियो पास में है कि दूर है घर से? दूर है सर, थोड़ा करीबन करीबन 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। बाप रे, तो बहुत दूर है। हाँ सर, वो 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। मैंने सर से कहा था कि मैं थोड़ा जल्दी जाता हूँ और फिर वहाँ पे सेटअप भी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास काम, यहाँ पे जो बनाता हूँ वही है बस, और वहाँ पर मैं सभी डिस्प्ले कर रखा है। वो मार्केट में कौन सा लोकेशन में आपका स्टूडियो, अगर कोई आपसे मिलना चाहे तो? वो बॉम्बे गली है, बॉम्बे गली में सांगी स्ट्रीट। ओके, इंदौर राइट? महू, महू। काफी आर्मी है यहाँ पर सर। बहुत पोर्ट्रेट्स करवाते हैं वो। और यहाँ पर करीबन 85 आर्टिस्ट होंगे सर। हाँ, कई बार हमें सुनने को मिलता है कि मऊ से पेंटिंग लेके जाते हैं हर कोई आर्मी में जो है ना अपने। जी 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 सर, और बहुत है सर यहाँ पे, तो मतलब ये मान के चलो कि काम करने वालों की कमी नहीं है, बहुत खूब आर्टिस्ट है, लेकिन कमर्शियल ज्यादा है। हाँ, कमर्शियल ही है पूरा, कमर्शियल ज्यादा क्या कहूं मैं। मेरे लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण था जब मैं वहां गया जब। जी, बट आपने दोनों चीज को बैलेंस करके किया तो ये अच्छा किया। जी जी सर, वो कई बार मुश्किल भी रहता है सर, वो चीज कई बार मुश्किल भी रहती है। तो पैलेट पर थोड़ा समय लग जाता है बस। My friends were also user. क्या देख रहे हैं लाइव यूट्यूब पर? अच्छा,
सर हाँ जी, अरे अंकित कह रहा है मेरा बेटा है उसके कुछ दोस्त हैं वो भी लाइव देख रहे हैं तो मैंने कहा अच्छा है, अच्छा है जी जी जी, तो उन्होंने सब्सक्राइबर बना बढ़ा दिया लग रहा है बिल्कुल बिल्कुल, कितने कितने सब्सक्राइबर हो गए सर? कंप्लीट है सर, कितने सब्सक्राइबर हो गए सर? हाँ कलाराम में 2000 के आसपास है, पानी पिलाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे वाह सर, तो मोनेटाइजेशन हो गया क्या? नहीं हुआ अभी? हाँ हो गया। वाओ, इस एक मिनट सर, पानी पी लेता हूँ। हाँ हाँ सर, आराम से। अभी तो मेरे हिसाब से सही दिख रहा है इसमें। सही दिख रहा है। तो जो भी जूम से और यूट्यूब से देख रहे हैं तो उनको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम में जो इंस्टा पेज है कलाराम के, वहां आप फॉलो करके रखिए, क्योंकि जो भी एक्टिविटी होता है वहां से स्टार्ट होता है, आपको दिख जाएगा वहीं से। जैसे कि ये कानपुर का इवेंट हुआ, हर चीज का, जहां पर भी कुछ भी एक्टिविटी करते हैं सबसे पहले हम कहां पे शेयर करते हैं? जूम में, अगर सॉरी यह इंस्टा पे, इंस्टा के साथ साथ हमारा सीधा या फेसबुक पे भी जाता है। तो इंस्टा जो लोग पसंद नहीं करते या यूज नहीं करते वो फेसबुक में भी वो फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। कलाराम का फेसबुक भी है तो वहां से आपको सारे डिटेल्स मिल सकते हैं, कब क्या हो रहा है क्या है। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। योलो अकड़ में ब्लैक मिलाने से थोड़ा सा ग्रीन शेड तैयार होता है ना सर? जी 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 सर, जी सर जी सर। तो वो आप यूज किए हैं यहाँ पे क्या, वैसे ही कुछ? बिल्कुल नहीं किया ना सर मैंने, बिल्कुल किया सर। ओके सही है, उसमें थोड़ा सा मतलब जैसे वो ग्रीन शेड भी है और कई बार मैं ना ब्लैक के पास में पर्शियन ब्लू भी रखता हूँ। okay. और पर्शियन ब्लू से भी हम उसमें थोड़ा सा ब्लैक मिला के और थोड़ा सा येलो कलर मिला दे तो एक अलग ग्रीन का शेड बनता है।
जब आपके पास फुल टाइम है बाद में फिर करेंगे लेयरिंग, तो क्या स्टार्टिंग में आप व्हाइट कलर यूज करते हैं जैसे आज स्टार्टिंग से व्हाइट कलर यूज कर रहे हैं? सर बिल्कुल, वो उसी समय एक लाइट के लिए मैंने किया था, बाकी अभी मैं बहुत कम यूज कर रहा हूँ। नहीं मैं कह रहा हूँ जैसे ये पोर्ट्रेट वन टाइम पे आप बना रहे हो, तो अभी जो आप मान लो टाइम लेके 5-7 दिन में या 1 महीने में बनाना है, तो उसके लिए क्या टेक्निक्स यही यूज होगा इसी तरह से जो कलर मिक्स? नहीं सर, इस तरह से नहीं होगा। वो अंडर पेंटिंग में इस तरह से यूज नहीं होती। उसमें पेंटिंग पर जैसे तीन, जैसे लाइट और हाईलाइट, मतलब मिडिल टोन, लाइट टोन एंड शेडो, तो इन दोनों तीनों को लेकर पहले जहां जहां पर है वहां पर मर्ज करके उसको छोड़ दिया जाता है अंडर पेंटिंग में, और फिर सूखने के बाद जो है वो जो तीनों की तीन तीन टोन फिर अलग से, जैसे मान लो मिडिल टोन है तो मिडिल की तीन उसमें, और जो शेडो की तीन उसी के अंदर, और उसमें रिफ्लेक्शन भी आ गया एंड उसके अंदर कास्ट शेडो भी आ गया है ना, और जो हाईलाइट है, लाइट है उसमें लाइट एंड हाईलाइट ये चीजें उसमें फिर ध्यान रख के फिर उसमें फिर ऐसे काम करते हैं, मैं करता हूँ। ओके, तो वो प्रोसेस पे, वो फिर वो पेंटिंग की प्रोसेस एक अलग लेयर में काम होता ना, तो उसका भी अपना मजा है। तो लिक्विड फाइन डिटेल लगाने से तो पीछे का जो लेयर है वो नहीं आता उठ के, है ना? हाँ सर बिल्कुल सही कहा, ये उससे बहुत अच्छा बेनिफिट है।
वैसे तो काफी हल्के हाथों से कर रहे हो आप, दिख रहे मतलब... हाँ मैं ऊपर ऊपर ही चला रहा हूँ उसको, बहुत काफी काफी ऊपर ऊपर लेके उसको चला रहा हूँ। कौन सा वर्क करने से एक आदत भी पड़ सकता है कि बहुत फिनिश करने का ना जी सर। हाँ 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 जी और फिर सर वो डिपेंड करता है कि जैसे आप मतलब होता है ना कि एक बोल्ड पेज में बहुत सारे काम करते हैं और कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा डिटेल में जाने, जैसे जेरमी लिकिंग का नाम आपने सुना होगा। जेरमी लिकिंग है ना, तो कैसे मतलब एकदम एकदम फाइन डिटेल काम है, है ना। तो कुछ आर्टिस्ट हैं जैसे अब जॉन सिंगर सर्जेंट का बताया, तो उनका मतलब बोल्ड बोल्ड है लेकिन उसी में डिटेल दिखती है। पर वो एक ही स्ट्रोक्स में कई कलर दिखता है, एक ही स्ट्रोक में कई कलर दिखता है। तो वो एक्चुअल में वो कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन पे वो फिर डिपेंड भी करता है, अपने अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम उसको किस तरीके से ना, उनको भी अच्छा ऊपर होता है कि क्या खुद को क्या अच्छा लगता है ना, खुद को क्या अच्छा लगता है। किसी किसी को मतलब डिटेलिंग वर्क करने में बहुत ज्यादा, जैसा बहुत सारे हमने देखा कि हाइपर रियलिस्टिक काम करते हैं, जैसे एक मार्को ग्रासी करके एक आर्टिस्ट है, कभी आपने नाम सुना हो मार्को ग्रासी। सुना है क्या? नहीं नहीं सुना है, अभी सुन लिया। वो बहुत ही मुझे लगता है कि अभी उसके लेवल में कोई इतना हाइपर रियलिस्टिक वर्क मुझे करते हुए नहीं दिखा अभी तक। तो इनका काम इंस्टा पे है, कहाँ पे मिलेगा अभी इमीडिएट? इंस्टा पे मिल जाएगा। तो बहुत ज्यादा हाइपर रियलिस्टिक, ओके, वो ऐसा लगता है कि यार ये पेंटिंग है या फोटोग्राफ है। तो जैसा मैं मेरा ही बताऊं, मुझे ऐसा पसंद नहीं है, लेकिन भले मैं हमें कमर्शियल भी काम मिल रहा है, सब मिल रहा है, लेकिन इतना मतलब पसंद नहीं है। लेकिन सर ऐसा तो वो डिपेंड करता है ना कि हम किस तरह की सोच रख रहे हैं या किस तरह के काम को लेकर किस तरह की सोच रख रहे हैं।
जियो नेट को मालूम चल गया कि राजेश सर ने डेमो दे रहे हैं ना। अच्छा सर। कैसा क्या प्रभाव आ रहा है सर अभी? मस्त मस्त। थैंक यू सर। इसमें सर क्या है, समय का पता नहीं चल पाता, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम काम कर रहे हैं इतने वो हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं है कि यार टाइमिंग क्या हो रही है। कभी कभी ऐसा कभी क्या, मुझे लगता है हर आर्टिस्ट के साथ में ये तो है। सही है, टाइम कम पड़ जाता है, टाइम भी कम पड़ जाता है और वो इतना उसके अंदर चले जाता है कि उसको पता नहीं चल पाता यार हमें अभी मुझे मैं कहा मतलब कितना बज गया है उसको पता ही नहीं चल रहा। पता चला है तो यार खाना खाया कि नहीं भूल जाता। नहीं हाँ खाना खाया कि नहीं खाया। सर आप तो वाटर कलर में कितने समय से काम कर रहे हैं? शुरू हुआ तो बचपन से। वाओ, आप मैंने सुना आप आर्मी में रहे, फिर वहां कैसे क्या मेंटेन किया आपने? नहीं वहां नहीं हुआ ना, तो वही मैं बोल रहा हूँ, शुरू तो बचपन से हुआ था बट बीच में बंद हो गया था। बीच अच्छा, में 2001 से लेकर के 2016-17 तक बंद हो गया था, बंद ही था। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा फिर ऐसा लगा कि मैं कर सकता हूँ या मैं मुझे करना है। फिर आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें? नहीं कुछ दिक्कत नहीं आया। मैं बहुत 2017-18 से मैं स्टार्ट किया फिर से थोड़ा थोड़ा करना, और मेरा यूट्यूब चैनल जो है 2018 में स्टार्ट हुआ था। तो उस समय का भी कुछ वीडियोस है मेरे, तो कि मैं इसलिए रखा हूँ ताकि लोग ये देख सकते हैं कि वो 18 से लेकर के आज ज्यादा दिन नहीं हुआ, 18 या 19 से लेकर के आज ज्यादा दिन नहीं हुआ और चेंजेस काफी सारे हो गया। तो 3 महीने में चेंजेस हो जाता है मेरा। तो कहने का मतलब उतना काम करना है कि वो दिन पे दिन मतलब डेवलप हो जाए। वाओ बहुत सुंदर सर। एक्चुअली क्या है ना, मैंने हम देखते हैं सीरियस नहीं है, जो सीरियस है वो आगे जाएगा, जो सीरियस है वो आगे बढ़ रहा है, सीरियस नहीं है, सीरियस होना पड़ता है। तो खुद सोचो कि आपने आप कितना सीरियस है ना। राइट राइट राइट, सही कह रहे हैं सर। बट आज के डेट में बहुत सारे सोशल नेटवर्क के जरिए बहुत आर्टिस्ट मिल रहे और वो अपना कोशिश कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं।
वो दिन भी नहीं है क्योंकि वो दिन होता तो उस समय में कोई कंपटीशन नहीं था जो मैं अपने बचपन के टाइम या मेरा 10-11-12 सा मतलब क्लास के टाइम जो मैं बोल रहा हूँ उस समय भी, तो तकरीबन 2000-2001 की उस समय में कोई ऐसा वो ये नहीं था कि मतलब इसके ऊपर इतना नहीं था जो आज के डेट में है पेंटिंग को रिलेटेड, पेंटिंग को रिलेटेड। और हम अभी क्या सोशल नेटवर्क में आके बता रहे हैं ना कि राजेश सर देखो इस तरह से ये कर रहे, इतना स्कोप है। कोई डिजाइन स्टूडियो पे है, कोई अपने कुछ भी मतलब हर एक सेक्टर में क्या आर्ट से ही रिलेटेड है ना वो काम। ये सब चीज हम अभी बता पा रहे कि क्या क्या कर सकते हैं आप आर्ट से रिलेटेड। ओके राइट, बिल्कुल 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 सही बात है। बट क्या होता है कि स्टूडेंट्स लेवल पे बहुत जल्दी चाहिए, क्या होता है ग्रो चाहिए बहुत जल्दी, बहुत ज्यादा काम करने से बहुत जल्दी ग्रो होगा। बहुत ज्यादा रील पे फोकस है, रील मतलब थोड़ा सा पेंटिंग बना नहीं बना आर्टिस्टों को टैग कर देना वो मतलब आओ सर देखो, अभी आर्टिस्ट कोई भी देखेगा तुम्हारे पेंटिंग को तारीफ ही करेगा, कोई ऐसा नहीं कि तुम्हारे पेंटिंग को बोलेगा कि ये गलत है वो गलत है, नहीं बोलेगा। जबरदस्ती उसको टैग कर रहे हो किसी भी आर्टिस्ट को और आप वो आर्टिस्ट आपको जानते हैं तो आप गलत फहमी में है क्योंकि आप बस आपके वहां पे ओपन में कोई किसी को ये नहीं कहेगा कि ये अच्छा नहीं हुआ क्या पॉइंट है, कुछ नहीं, आपको तारीफ ही किया जाएगा। बस ना करके थोड़ा सा ऐसे चैनल है जहाँ पे जैसे कलरम का चैनल है जहाँ पे आपको सीखने को मिलता है, जहाँ पे कुछ वीडियोस हर एक आर्टिस्ट का जो इस तरह से वीडियो शेयर किया है उनको देखो उनको सीखो, थोड़ा उस पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और कोई ये सोचता है आजकल यूट्यूब में पैसा आता है बहुत, मैं कहता हूँ जीरो, कुछ नहीं आता। हम भी मेरे YouTube चैनल पे 700 वीडियोस है, क्या पैसा होता है पूरा महीने में 500 रुपीस भी नहीं आता, तो क्या इसके लिए क्या मरना, समझ लो हकीकत को थोड़ा जानो। किसी एक को देख करके हम पागल हो जाते कि उसका मिलियन में व्यूज ये वो काम करना है, ऐसा नहीं कि नहीं करना है बट क्वालिटी ज्यादा बनाना पड़ेगा। सही कहा सर, क्वालिटी में फोकस करना पड़ेगा। आपका भी मिलियन हो सकता है बट आपका क्वालिटी को आप देखो जरा, क्वालिटी के साथ फिर वो आपके एक्टिविटी आपके नेटवर्क स्ट्रांग ये सब कर सकते हैं उसके साथ। सिर्फ आपके नेटवर्क स्ट्रांग या आपके वीडियो अच्छा है डिजाइन अच्छा है उससे नहीं चलेगा ज्यादा दिन। बहुत सही, बहुत बढ़िया सर। बाई चांस किसी एक वीडियो वायरल हो भी जाता है तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक वीडियो हो सकता है गलती से या हो सकता है चलो अच्छा बना दिया बट पीछे का आपके कंटेंट अच्छा नहीं है तो लोग नहीं टिकेंगे नहीं देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, निकल जाएंगे वो नहीं रहेंगे, तो आपको कंटिन्यू आपके अच्छा देना पड़ेगा, तो अच्छा के लिए आपको खुद को सीखना पड़ेगा अच्छा चीज है। बहुत सही, बहुत बढ़िया। बात सही कही सर आपने। सही बोलने से क्लास टाइप का लगता ना इसलिए नहीं। चलो एंजॉय होना चाहिए, बिल्कुल सब कुछ होना चाहिए, एकदम मॉडर्न युग है इसमें होना चाहिए वो सब एक्टिविटी सब, जितना सिस्टम के साथ एक्टिव रहेंगे उतना ही अच्छा है बट काम चाहिए
काम होगा अच्छा, आपके स्टूडेंट्स होंगे कुछ, किसी भी साइड से आपको बेनिफिट आ ही जाएगा। ये तो है, बनी बात है सर, काम मिलेगा, आपका पहचान बन सकता है। अभी देखिए वो प्रेम को कितने लोग जानते हैं, है ना। क्यों जानते हैं वो देव, मतलब ऐसा तो नहीं कि बहुत हट्टा कट्टा, बहुत ऐसे हीरो माफिक, उसकी वजह से नहीं, उसके काम की वजह से उसको जानते हैं। सही है सर, बिल्कुल सही है। काम की वजह से जानते हैं। तो आज हमें मालूम भी चलेगा कितना लोग सीखना चाहते हैं। सही है सर, सीखने की भी सर कोई उम्र नहीं होती। जी जी, बट ये लॉकडाउन में ये आर्टिस्ट के लिए भी मतलब बहुत कुछ दिक्कत जरूर आया, बट कुछ लोगों को मिलाया भी है जल्दी। क्योंकि सिस्टम जब ऑनलाइन में आ गया तो दूर दूर से भी लोग एक दूसरे को जानने लगा। सही सही है सर, बिल्कुल सही। दूर दूर से लोग, सही है सर, जिसको नहीं पहचानते थे उसको भी पहचानने लग गए इससे। इंटरनेट इशू हुआ है शायद, शायद मुझे ऐसा ही लग रहा है। हाँ, आपके वीडियो ऑफ दिख रहे हैं तो नहीं दिख रहा है वीडियो। नहीं नहीं, एक बार ऑफ करके ऑन करो, नहीं तो दोबारा ज्वाइन कर लो। दोबारा ज्वाइन कर लूँ मैं? हाँ ओके ओके। अचिंत सर मुंबई आ जाओ एक बार, आएंगे आएंगे। बेंगलोर कब आ रहे हो? जनवरी में आ रहे हैं, 6, 7, 9। मनो सर का डेमो चाहिए, ठीक है, बात करते हैं। ऐसे आपके भी आसपास, आपके जो भी नजर में हैं, आप हमें थोड़ा सा बता सकते हैं, हम भी अपना कोशिश कर रहे हैं, आप भी अपना कोशिश कीजिए ताकि इस तरह से नेक्स्ट डेमो चलता रहे। कभी बिहार भी आया कीजिए, हम तो आ जाएंगे, फिर उस समय आप मिलेंगे नहीं। अब शायद हो जाए, एक मिनट मैं टर्न करता हूँ। हाँ अभी हो गया, परफेक्ट परफेक्ट। पता नहीं सर ये कैसे हो गया। हाँ कोई नहीं, इंटरनेट से हो गया होगा कुछ। हाँ पता नहीं चला मुझे भी, मैं भी इसमें करता रहा और मुझे पता तक नहीं चला।
नहीं हम तो दिख रहे हैं ना। शिल्पी जी कह रहा है इलाहाबाद आ जाओ, कब आ रहे हो? अभी लखनऊ वाला कोई बोलेगा नहीं क्योंकि लखनऊ तो हम गए थे। क्या बोलते बंसी का? आएंगे हम हर स्टेट में आएंगे, बार बार आएंगे क्योंकि लखनऊ में, लेकिन वर्कशॉप नहीं करी थी बस जाके। हाँ मिलने तो मिल तो सकते थे ना, मिले थे हमको, एक आर्टिस्ट आए थे एक सर मिले थे, अच्छा लगा कि उन्होंने ऐसे थोड़ा सा लाइव आए थे, निशी उनको देख के आ गए थे, अच्छा लगा था। अभी जैसे वो स्किन टोन के लिए आपने ऊपर तो थोड़ा मालूम है, बर्न टम्बर था उसमें, रेड में भी स्कारलेट वगैरह, और स्टार्टिंग में कुछ ब्लैक भी था। हाँ एलिजरिन क्रिम्सन भी यूज हुआ है जहां तक, राइट? जी ओके। तो ये जो नीचे वाला जो दाढ़ी मूछ वाले है, यहाँ पे क्या कलर यूज किया आपने? यहाँ पे सर मैंने ब्लैक, ब्लू, ब्लैक और ग्रीन जी, और उसमें थोड़ा सा व्हाइट और येलो मिला है, येलो कर। ग्रीन में कौन सा ग्रीन? सेफ ग्रीन, अच्छा प्रभाव है ये, इम्प्रेशन थोड़ा सा दिया मैंने। हाँ मस्त आ रहा है। हाँ वो इसीलिए कि मुझे उसका जो इम्प्रेशन लगा कि ये अच्छा है, थोड़ा सा उस पे अगर थोड़ा सा लाइट कहीं हो जाएगा तो एकदम सही प्रभाव उसका जो इम्प्रेशन है वो लगभग मुझे लगता है आई थिंक आ जाएगा। और इसमें वो मजा रहा है, बहुत सारे जो कलर लेयर हमको देखने को मिलता है चेहरे पे जी, वो जी काफी जी, मजा आ रहा है। थैंक यू सो मच सर। और मेरे साथ थोड़ी सी ये चीज भी है, मतलब बात करते करते भी मैं बना लेता हूँ, ऐसा कहीं बनी है आप बिल्कुल मेरे साथ बने हैं ना, मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आपकी आवाज सुन रहा हूँ कंटिन्यू, आप मुझे एक प्रकार से मोटिवेट भी कर रहे हैं और बहुत मजा आ रहा है मुझे आपकी बात सुनकर। नहीं वो देखो सीखने के लिए ना तो यही एक रास्ता है जी, है ना जी। हर वक्त हम सीख सकते हैं, हर किसी से सीख सकते हैं, तो जी 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 बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सीखने के लिए ये रास्ता खत्म है। तो ऐसा भी होता है कि जैसे किसी को मान लो ऑयल में ही काम करना है, ऑयल में पोर्ट्रेट में ही काम करना है, मतलब उनको पसंद है कि पोर्ट्रेट सीखना है, तो क्या वो ऐसा करे कि पहले पेंसिल से सीखे फिर सॉफ्ट पेस्टल का इस्तेमाल करे थोड़ा सा वैल्यूज या कलर पे स्टडी, या उसकी जरूरत भी नहीं है सीधा ऑयल पे स्टार्ट कर सकते हैं पेंसिल? नहीं सर मेरे हिसाब से तो पहले उसको पेंसिल से और पेस्टल कलर वगैरह इससे करना चाहिए, सॉफ्ट पेस्टल वगैरह करने से अच्छा रहता ना। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि फिर वो एकदम से वो तरह से फिर इंप्रेशन पे फिर मुझे नहीं लगता कि, और अगर वो उन्हें पोर्ट्रेट भी सीखना है तभी स्टिल लाइफ करना चाहिए, राइट? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी को क्लियर हो गया शायद, तो ऐसा लग सकता है कि आपको पोर्ट्रेट अच्छा लगता है, पोर्ट्रेट से पहले आपको स्टिल लाइफ करना है, स्टिल लाइफ से आपके देखिए पेंटिंग में दो चीजें होता है, एक ड्राइंग एक कलर, ड्राइंग में पर्सपेक्टिव, कलर में वैल्यू, तो ये दोनों चीजों सीखने के लिए बेस्ट है स्टिल लाइफ। तो
वहां से ही शुरुआत करना चाहिए छोटे छोटे। फिर मुझे लगता है पोर्ट्रेट सीखने से पहले सिंगल सिंगल जैसे एक नोज बनाना सीखे, एक आंखें बनाना, होंठ बनाना, वो भी ठीक रहेगा। जी जी, जूम, हाँ जूम करके, हाँ मतलब एक सिंगल पार्ट को बस आंखें बनाना सीखा जी, जी नोज बनाना सीखा, तो फिर बाद में उनको जोड़ेंगे ना। जी जी जी, जी। वही वाली बात है कि जूम कर करके सीख रहे हैं है ना, वही वाली चीज है जी। थोड़ा थोड़ा एक एक पार्ट अगर सीखेंगे तो ठीक रहेगा। मैंने 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 तो सर ऐसे ही सीखा और अभी भी सीख ही रहा हूँ। जरूर जरूर। लाइव तो काफी अच्छा लग रहा है, बाकी वीडियो में कैसे क्या दिख रहा है पता नहीं चल रहा है। मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। अपने तो मतलब जल्दी ले आया, मतलब ये जो असर जल्दी दिखने लग गया था और अभी और जितना कर रहे उतना तो मजा आ ही रहा है, बट असर काफी पहले आ चुका, मतलब जो जो इम्प्रेशन है उसके चेहरे की वो काफी पहले आ चुका है। मुझे सर पता नहीं ऑयल से, ऑयल में इतना मजा आता है काम करने में मुझे बहुत सर, मैं मतलब पूरा मेरा मेरे मेरी इससे भूख खत्म नहीं हो रही है। अच्छा है, भूख बचा के रखो। इसका बिल्कुल भी, इसका बोलते ना कि जितना जितना और उसमें मिल रहा है उतना कम पड़ रहा है मुझे तो इसमें काम करना, और मैं इसके बहुत डीप तक जाना चाहता हूँ ऑयल के। जरूर, मैंने जैसे पहले बताया था कि जॉन सिंगर सर्जेंट वगैरह जो है तो उनके मतलब वो जो उनके काम है, हालांकि बहुत बड़ी बात है वहां तक पहुंचना, पर बस उस लाइन में मतलब मैं जाना चाहता हूँ आगे तक। जरूर जाएंगे आप, और आपके अंदर वो है, पेशेंस है, और देखो हमें लगता है और हमारे भी कुछ जैसे हम बिस्वल सर से भी मिलते हैं, मिलिन सर से भी मिलते हैं, ऐसे बहुत सारे जो सर से हम मिलते हैं ना, तो एक उनके एक चीज हमने देखा है कि काफी डाउन टू अर्थ है ना, और उनके बातचीत में, उनके स्वभाव में, तो उनको अभी तक वो सीखने का वो इच्छा रहता है, वो देखते हैं, सीखते हैं, बोलते भी है, तो ऐसे ऐसे स्वभाव अगर हो तो आप कभी नहीं रुकने वाले, आप आगे ही बढ़ते जाएंगे। वही है सर, वो जिज्ञासा है जो है आपके अंदर, वो चीज है कि हमेशा आप सीखना चाहते हैं, और मतलब जितना झुकेंगे उतना सीखेंगे, ये कहाँ क्या है मतलब क्या बता। मेरी कुल्फी मैंने यूज कर लिया। कनिष्ठा क्या बोल रही है? ओ सॉरी सर, मिस। हेलो सर, हेलो, नमस्ते सर। हाँ सूरज जी बोलिए। हाँ सर, मैं अब तक देख रहा था सर, मगर सर ने पोर्ट्रेट तो बना रहे हैं मगर राउंड ब्रश यूज नहीं किया। मैं कितने भी पोर्ट्रेट दिखा हूँ आइल कलर में फ्लैट ब्रश ही ज्यादा यूज करते हैं, राउंड ब्रश कब कहाँ पे यूज कर सकते हैं जी? राउंड ब्रश सर आंखों में और थोड़ा सा आइट साइड का एरिया जो है उसमें, जैसे आईज वगैरह में राउंड ब्रश यूज कर सकते हैं, पर राउंड ब्रश से जो लाइनिंग जो इम्प्रेशन जो आना चाहिए सर वो नहीं आता है, वो इसलिए थोड़ा सा उससे मैं भी बच रहा हूँ उसको चलाने से। अच्छा जी, करा होगा उसको बच, उसको फ्लैट ब्रश से करना तो मजा तो आता है सर, फिर भी मैंने ऐसे ही पूछा नहीं कहाँ कहाँ पे यूज तुम कर सकते हो, ऐसा पूछा सर। कुछ डिटेल अगर जैसे मान लो कुछ जैसे सलवट्स वगैरह है, आंखों पर झुरियां है, और जैसे आंखों थोड़े से अगर कुछ बालों पर हल्का सा इंप्रेशन कोई देना है या फिर आंखों की थोड़ी सी डिटेलिंग देना है तो वहां पर हम उसको डेफिनेटली कर सकते हैं। थैंक यू सर। ओके सर, देखा जाए तो कमी यूज होता है राइट, राउंड ब्रशेस देखा जाए तो कमी यूज होता है।
अभी तक सर मैंने तो उसको हाथ नहीं लगा जब से काम कर रहा हूँ अभी इधर, क्योंकि मुझे मुझे तो ऐसा अभी मैं सर थोड़ी सी सेचुरेशन बढ़ा रहा हूँ सर, थोड़ी सी सर, हल्की सी, ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा मैं जी। पर मैं हल्की सी सेचुरेशन बढ़ाने, हल्का सा मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसकी सेचुरेशन की जरूरत है, तो मैं वो बढ़ाने के बढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, पर इतनी भी जरूरत नहीं है क्योंकि ज्यादा सेचुरेशन होता है तो फिर पेंटिंग अलग टाइप का लगता है, तो मैं थोड़ा सा सेचुरेशन बढ़ाने से डरता हूँ मतलब हर बार। जितना लगे उतना ही उतनी ही कोशिश करता हूँ उसको बढ़ाने की। और एक चीज ये भी है सर कि काम करते करते थोड़ा सा आर्टिस्ट को उठ के भी देखना चाहिए ऐसा, पर अभी उठा नहीं मैं। मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार अभी मैं, अभी मेरा अभी नाइट का समय है, मैं मेरे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि मैं किसी का भी समय जो है वो ना हो, बर्बाद ना हो। ऐसे में हम कई बार ऐसा करते हैं कि वो उसे फोटोग्राफ लेके भी देख सकते हैं, तो उसे भी थोड़ा बहुत आता है कि हाँ, क्योंकि वो क्लोज हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सही कह रहे हैं। मैं अक्सर ऐसे ही करता हूँ कि वो फोटोग्राफ ले लेता हूँ तो उसमें देख। जी 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 जी, हाँ देख सकते हैं, थोड़ी सी हल्की सी सैचुरेशन पर ध्यान दे रहा हूँ मैं जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे वो मतलब वो चीज की इसमें जरूरत है, तो कोशिश कर रहा हूँ कहीं कहीं पर। बहुत नेचुरल लग रहा है एकदम, जो कलर टोन है। थैंक यू सर। मुझे भी, मेरा भी समय सर ज्यादातर कलर पैलेट पर बहुत जाता है, मेरा भी वही है, वैसी तरीके से, उसी तरीके से मतलब ब्रश वहां जितना समय वहां लग रहा है ना ऊपर लगाने में, उससे ज्यादा समय मुझे यहाँ नीचे लग रहा है कलर प्लेट पर। इस वजह से भी थोड़ा सा टाइमिंग के इशू उसमें आ जाता है। नहीं, वो जरूरी है कि आप क्या, जब मतलब अंदर क्या चल रहा है माइंड में, कलर जो बना रहे हो। मुझे लगता है कि अभी तक आपके इतने सारे डेमोंस्ट्रेशन हुए होंगे, पर ये थोड़ा सा लेट हो गया होगा शायद, ऐसा तो नहीं है सर? नहीं, एक 12 बजे के आसपास या 12 बजे के ऊपर एक गया था। वो भी वाटर कलर, वो भी वाटर कलर में। ओहो ओहो, अब अच्छा अच्छा ऐसा, कोई दिक्कत नहीं सर, आप आराम से करो, आदत सी है। हाँ, कोई एक दिन में नहीं देखेगा, दो दिन में देख लेगा। जिनको सीखना सर, कोई रहे या ना रहे, हम लोग साथ में है सर, बस। सही क्या बात, आप हमको दिखाओ, अच्छी तरह से दिखाओ, हम देखेंगे सर। क्या देखने बात में मजा ही आ रहा है। एमजे सर बोल रहे ना? हाँ सर, मैं सुरेश बात कर रहा हूँ। सुरेश जी, आप कहाँ से? सर मैं यहाँ बीजापुर कर्नाट से हूँ सर। मैं ओके। आप भी करते हैं सर? हम तो पोर्ट्रेट तो नहीं, मैं पोर्ट्रेट इतना नहीं कर सकता हूँ सर, मैं वो कमर्शियल जो काम रहते हैं ना होटल में, वहाँ पे, यहाँ पे। जी जी, हाँ वहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ सर, इतना ही। जी जी जी, वो अपने एशियन वाटर फ्रंट आते हैं ना सर, उसमें काम करता हूँ।
ओके सर कभी कभी टाइम मिलता है ना ऐसे ही वाटर कलर फोन में देख के बना लेता हूँ सर, यहाँ पे लाइव जाने के लिए टाइम ही नहीं मिलता, यहाँ पे अच्छा प्लेस भी नहीं है यहाँ। ओके सर का वाटर कलर तो बहुत ही अच्छा है, कभी कभी मैं लाइव सब सर जब आते हैं ना तभी ऐसे ही दिख लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अरे सर का कमाल का काम है सर, कितना टाइम मिलता उतना दिखता रहता हूँ मैं। अरे वाह टाइम बहुत है आपको। सर की स्पीड भी बहुत अच्छी है, मैंने भी देखा बहुत अच्छा स्पीड में काम करते हैं सर। मैं वाटर कलर में बहुत मजा आती सर, बिल्कुल सीखना बिल्कुल चाहिए वाटर कलर, बहुत सीखना है उसमें भी, बहुत डीप काम है सर, बिल्कुल वो भी बिल्कुल। वो भी एक दिन से नहीं आता है वो। हाँ नहीं आता है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट मुझे लगता है कि एक अच्छे आर्टिस्ट होने के नाते मतलब हर सब्जेक्ट भी कवर होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, हालांकि बहुत अच्छा ना सही बट थोड़ा बहुत होना ही चाहिए टच, मतलब हर एक सब्जेक्ट भी होना चाहिए और थोड़ा बहुत मीडियम भी होना चाहिए। जी 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 सही कह रहे हैं, होना चाहिए क्योंकि थोड़ा बहुत तो होना चाहिए उसके ऊपर आपकी जानकारी, इसीलिए मैं कल से ऑयल में थोड़ा सा। अरे सर क्या बात है सर, फोकस कर रहा हूँ, हालांकि मेरे पास लिक्विन पहुंचने में 19 तारीख तक पहुंचेगा। ओके भी कोई बात नहीं, जो भी है उसी से चलेगा काम। क्या बात है, तो पहले से ही तो मैं बता रहा हूँ ताकि मैं अपने आप को भी अच्छा 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 बता दिया है कि नहीं। नहीं सही है सर, अच्छी बात है सर ये तो। तो कैनवास अभी आपको लेनिन का ही अच्छा लगा अभी के इंडिया में, या ऐसे कुछ अच्छा ब्रांड आप सजेस्ट करेंगे? सर मुझे तो केमल का भी अच्छा लगता है, फाइन ग्रेन्स वाला, पर लिनन का क्या है कि पोर्ट्रेट के लिए बेस्ट है। आप मतलब मुझे तो अभी तक जितनी बार ही मैंने यूज किया मजा आ गया सर। ओके हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ऐसा लगा नहीं उसको लेके कि हाँ लिनन क्या खुद ही ब्रांड है लिनन का? ब्रुस्टो ब्रुस्टो अच्छा ब्रुस्टो का वो ब्रुस्टो ओके 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 फिर तो इधर ही है पास में ही है। अच्छा सर आपको का मैं पूछना भूल गया था, कहाँ से थे आप? मैं हावड़ा पड़ता है कोलकाता मेरे से 50 किलोमीटर। वाओ अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया सर। बहुत बड़ी बात है सर इतनी जल्दी आपने जो है कर लिया, मतलब काम को इतना आप वहां रहे और वहां के बाद भी, ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे पास जैसे कि ऑप्शन है कि व्हाइट से हम हाईलाइट की तरफ लेके आ सकते हैं, जैसे नोज के ऊपर है तो वो शुरू से उसे बचा के चलना क्यों? सर नहीं भी बचा के चलो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ओके मतलब वो एक बात माइंडसेट होता है कि या पार्ट अलग करके काम चलता है ना कि वो ये कि वो हिस्सा छुटा हुआ है, तो मतलब ये है कि आपका माइंडसेट है कि आपको वहां पर लाइट की जरूरत है। ओके 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 और ऐसे में क्या है कि ऐसे में भी वो कोई वो नहीं है, पर
ये है कि फिर आप वापस से उसको बनाओगे, ये है कि आपको फिर सोचना होगा उसके लिए अलग से। ओके, तो हम ब्लॉक करने से उसके ड्राइंग भी ब्लॉक हो जाएगा, कहने के मतलब आपके, राइट? मेरा मैं एग्जैक्ट जहाँ पे हाईलाइट जो हम डॉट छोड़े थे वो शिफ्ट हो सकता है, है ना? जी 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 यस जी। तो वो पेपर शुरू से छोड़ने से हमने जो ड्रॉ किया वो हिलेगा नहीं, हमको सही मिलेगा उधर ही। जी जी जी। देखो सवाल करने से आता है ना निकल के थोड़ा। जी 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 जी, बिल्कुल सही कहा आपने। राजेंद्र सर जी, हाँ मैं ये चेक कर रहा था जाग रहे हो कि नहीं। मैं है सर, मैं हूं ना। हाँ ठीक है, मैं कभी कभी चेक करता हूँ कोई जाग रहा है कि नहीं। नहीं नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं जागने की बात कर रहा हूँ, आप बोले छोड़ेंगे नहीं है क्या? नहीं नहीं, छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं। मैंने हल्का सा नाक पे से हल्का सा लाइट दिया है, मुझे लगा कि देना काफी अच्छा लग रहा है। तो राजेश जी आपका भी YouTube चैनल वगैरह है क्या? या हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी है ना सर। ओके, तो वहाँ पर भी इस तरह से डेमोज है फुल वगैरह ऐसे कुछ? हाँ है सर, वहाँ पर भी मैंने डाल रखे सर डेमो। ओके, तो सब सुन लिया सभी ने कि क्या नाम से है राजेश सर आपके YouTube चैनल? राजेश राजेश हिरवे के नाम से है। और सर उसमें मैं ना उसमें सर मैं क्या करता हूँ कि जहाँ बनाने जाता हूँ तो उसका रियल टाइम तो मैं डालता ही डालता हूँ, और उसको बनाने जाने से बनाने जाता हूँ और जो मैं एंजॉय करता हूँ उन जगहों को तो उसका ब्लॉग करता हूँ, मैं उसका ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग भी करता हूँ कि मतलब कितना हम आर्ट को एंजॉय कर रहे हैं। मतलब अगर कोई स्विमिंग पूल है तो बना दिया फिर नहा रहे हैं, ऐसा मतलब होता है ना, जैसे झरना है बढ़िया बढ़िया तो फिर नहा लिए फिर पेंटिंग कर रहे हैं आराम से बैठ के, इस तरह का भी मैं उस पर मैं करता रहता हूँ उस तरह की चीजें। और मेरा कोई उद्देश्य ऐसा नहीं है YouTube से कोई पैसे कमाने का, कोई कहीं से कहीं तक नहीं है, मैं इसलिए उस पर रेगुलर भी नहीं हूँ। पैसा कमाना नहीं पड़ता, पैसा आ जाता है, काम करना है बस 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 बस। क्योंकि सर मुझे तो मैं बता भी चुका हूँ, मुझे तो यू भी ये ऑर्डर्स वगैरह बहुत मिल जाते हैं तो वैसे कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। मतलब ठीक है जितना भी हो रहा है काफी है, जितना है उतने में खुश हूँ मैं। अच्छा है, वो मैंने देख लिया चैनल बहुत खूबसूरत है और काफी कुछ वैरायटी है आपके इसमें। अच्छा। वाकई नहाते नहाते भी पेंटिंग हो रहा है, मजा आ गया। और मैंने तो पावर इनके जो इनके फास्ट ब्लॉग है वो काफी इंटरेस्टिंग है, तो जरूर देखें राजेश सर का यूट्यूब चैनल, काफी इंटरेस्टिंग है। और ये एक अच्छा तरीका भी रहता है कि आर्टिस्ट को जानने के लिए उसके उनके ब्लॉग से उनके वीडियोस से और ज्यादा उनके काम को भी देखेंगे तो और थोड़ा सा ज्यादा सीख पाएंगे। डिफरेंट डिफरेंट आज एक काम देख रहे हो उसमें बहुत सारे काम्स हैं तो वो आप देख सकते ना। फिर वही सवाल आता है टाइम कहाँ है, क्या बोलते कौशिक दे? शिल्पी रस्तों की है क्या ये? सर वो यूट्यूब पे भी मैं भी ज्यादा समय से नहीं हूँ, अभी 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 आया हूँ और मेरा जब इंटरेस्ट लगता है कि मुझे करना चाहिए तो उस दिन मैं जाता हूँ और संडे सैटरडे का टाइम में निकालता हूँ और बाहर आउटडोर करने जाता हूँ मैं। तो आपके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज छोड़ा है अमृता जी ने यूट्यूब से जी, और पेशेंस दोनों सीख रहे हैं। थैंक यू सो मच सर कीमती वक्त देने के लिए। तो राजेश जी बाकी अपने
अच्छा है इतना समय दिया और काफी अच्छा हुआ ये हमारे लिए सबके लिए। अरे सर थैंक यू सो मच सर। सूर्यांश जी कह रहे हैं कि सर मैं अभी 12 क्लास में हूँ, 8 में काफी इंटरेस्ट है, पर सर जब से कानपुर से आया है तो स्टडी में प्रॉब्लम हो रहा है, प्लीज गाइड। तो गाइड क्या करना, आप पढ़ो फिर। ये बात भी सही कही ना आपने। तो होता है कि सही है, जब इस तरह से आप माहौल देखते हैं तो उस तरह से लगता है कि हम भी ऐसे करेंगे, पर तो पढ़ाई थोड़ा सा पढ़ाई के साथ साथ कीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप पढ़ाई करेंगे तो वो छूट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, पढ़ाई के साथ साथ कर सकते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है। अमृता जी कर सकते हैं जहां तक, फिर भी मैं राजेश सर से पूछ लेता हूं। अमृता जी का सवाल है कि सर ऑयल पोर्ट्रेट में क्या लेयर अगर ड्राई हो जाए तो फिर से यूज से उसे ठीक कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ऑयल कलर तो इसी के लिए है, ऑयल कलर में आपको ऑप्शन मिलता ही है, इसीलिए से ऑयल कलर बोलते हैं कि आप इस पे कभी भी किसी भी कंडीशन में आप इसको कर सकते हैं ये। बाकी दूसरे जैसे वाटर कलर का जो ऑप्शन है वहां हम तो बिल्कुल इसमें नहीं कर सकते है ना, वो तो जहां हो रहा है बस मेरे हिसाब से वही है, इसीलिए भी उसमें कोई गुंजाइश। इसीलिए बहुत सारे आर्टिस्ट इस मीडियम को भी पसंद करते हैं कि ये रिपेयर हो सकता है, बट वाटर कलर इसलिए बहुत सारे आर्टिस्ट पसंद नहीं करते कि वो रिपेयर नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। और वाटर कलर में अगर किसी को मजा आ जाए फिर बाकी में नहीं, ये भी होता है, क्योंकि वो 2020 मैच की तरह क्विकली रिजल्ट आता है, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा सर। उसमें है वाटर कलर में क्या है कि थोड़ा सा नेचुरल उसमें वे है, जैसे कि नेचुरली कुछ बनता है, कुछ आप करते हैं कुछ नेचुरली होता है, तो नेचुरली और आर्टिस्ट के बीच में एक मतलब अंडरस्टैंडिंग बोलो या उसको खेल खेलना होता है, तो वह वैसे होता है वाटर कलर। बट यहाँ पे अगर एक सेंटीमीटर भी चलना है ना तो आप ही को लगना है ऑयल में, अगर एक सेंटीमीटर कहीं कलर को आपको लगाना है तो आपको खुद ही को करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर। तो वहां पे आपको नेचर साथ देता है थोड़ा, आप थोड़ा सा तिरछा करके रखा वाटर स्प्रे किया, थोड़ा फ्लो करके नीचे आया, थोड़ा ब्लेंडिंग हुआ, मजा आ गया, थोड़ा और कलर कुछ घुमा दिया डाल दिया, ये सब ड्रामा होता रहता है वहां पे। बट ऑयल में आपको खुद को डालना पड़ेगा जो भी कुछ है। बस 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 सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा। तो बंसी का क्या सोचा, कौन सा मीडियम था ये सही है? बंसी का मलिक देखा ना, सो गया ना, सो जाती है, कोई बात नहीं सर, चल जाता है, पर रात का समय भी तो वैसे ही हो रहा है, सोने जैसा। मीडियम तब तब तकलीफ देते हैं आपको जब तक आप उसके बारे में मालूम नहीं रहता, जब आप सीख जाते हैं उसकी टेक्निक्स क्या है, उसको हैंडलिंग सीख जाते, फिर तो क्या बोलते हैं आने दो। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, फिर मजा भी आता है, सब कुछ ठीक है, पर जब तक नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, हैंडलिंग नहीं आता, तो आप स्ट्रगल करते हो तब तक। ये बात तो सही कही सर, ये तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था पहले।
कि जब तक वो होता नहीं ना, जब तक तो आपको ऐसा लगता है कि यार ये और क्या हो रहा है या किस तरह से हो रहा है, मतलब बड़ा वो चीज ऐसी डिफिकल्ट होने लगती है हमें, लेकिन फिर धीरे धीरे मजा आने लग जाता है जब होने लग जाता है कि यार अब हो गया काम, अब हम मतलब जो चाहते हैं वो हो जाएगा। ऑयल एक्रिलिक में स्टार्टिंग में एक आधा घंटा, 1 घंटा करीब, वो थोड़ा सा एक टाइम होता है कि आपको बार बार ऐसा लगता है यार क्या होगा क्या होगा, ऐसे मैं ऐसा मतलब ऐसा ही है क्या रजत जी? सर होता क्या है कि सबका उसमें एक्सपीरियंस अलग अलग है। अब मेरे हाँ में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बढ़िया होगा, हो जाएगा, हाँ वो अच्छा आपके हो। आपके इतने सारे काम करने के ऊपर आपको एक तजुर्बा है कि आप वो कर लेंगे, आपको मालूम है क्या कर रहे हो जहाँ तक, तो हाँ वही है कि आप उसके हिसाब से वो जी, पर वो रहता है ना कि सर वो, और फिर जैसे वो भी रहता है कि यार हम, और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है उसमें कि अरे यार मतलब ये शायद अब वो वहां तक नहीं पहुंच पाएगा, इसे अब यहाँ छोड़ना पड़ेगा, तो वो कंडीशन भी आती है इसमें। उसके लिए बहुत कुछ देखा जाता है कि आपके माइंड की कंडीशन है ना, कि मान लो आप पोर्ट्रेट करने बैठे, आपके माइंड के कंडीशन भी अगर ठीक नहीं है, मतलब अगर कुछ प्रॉब्लम्स है फिर भी दिक्कत आ सकता है ना, तो दिक्कत ये भी है कि तो ये तो है। तो माइंड जब ठीक रहेगा, जब आपके बैकग्राउंड आई मीन फैमिली सपोर्ट ठीक रहेगा, बहुत बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, और ये और इसका तो सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, फैमिली का तो इसमें। ये बहुत ज्यादा हकीकत है और सच है ये बात, क्योंकि बैकग्राउंड अगर ठीक नहीं है, फैमिली सपोर्ट अगर ठीक नहीं है, तो उसका तो फिर मुश्किल है। फिर तो मुश्किल है। अच्छा लगा सर, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत तगड़ा है, काफी समय से काम कर रहे हैं आप, सही बता रहे हैं एकदम, आप जो भी बता रहे हैं जितना भी मैंने सुना, हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करेक्ट है। इस बार कानपुर में गया था, तो वहां पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ले मिले, बच्चे मिले, चेहरे पे मतलब काफी एक्साइटेड देखा आर्ट को लेकर के, काफी अच्छा लगा वो दिन। उनके हर किसी के अंदर वो सवाल है, सीखने का भूख है, तो काफी अच्छा लगा, मतलब ऐसे पहले कभी मतलब देखे नहीं था, ऐसे कभी स्टूडेंट्स मिले थे नहीं थे, और बहुत स्टूडेंट्स वहां पे आए थे जिनको इस तरह से भूख था कि इस तरह से मिलना, और ये काफी मतलब अच्छा लगा उनको लेकर के, तो उसके लिए हमारे इस तरह से चैनल्स अच्छा है, बेस्ट है, इस तरह से हमारे खुद के चैनल्स भी अच्छा है कि कुछ हम उनके लिए कर रहे हैं थोड़ा पर्सनली, बहुत बढ़िया सर, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर, जब बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। तो एक अच्छा लगता है कि हाँ कुछ सीखने को मिल रहा है वहां पे, इतने दूर भी जिनको हम जानते नहीं है, वो अगर हमसे अगर हमारे वीडियोस से अगर सीख रहे हैं तो अच्छी बात है ना।
अरे सर बहुत 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 बड़ी बात है सर ये तो। बहुत बड़ी बात है सर और अच्छा प्रयास है सर ये। और इस तरह से जो कलरम अगर इस तरह से काम कर पा रहे तो इसके पीछे मैं और निशिकांत सर नहीं है, इसके पीछे बैकबोन की तरह काम कर रहे हैं हमारे जो कोऑर्डिनेटर टीम है, तो वो मतलब खुद से हम मतलब वो काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम करते, इतना ज्यादा काम करते कि सोचते सही मतलब उनको हमको आज तक किसी को बताना नहीं पड़ा कि क्या करना क्या नहीं है। तो वो तो इसी तरह से मतलब बनता है कि हमने कुछ ऐसा सोचा, फिर हमारे साथ कुछ इस तरह से लोग जुड़े जो कि कलाराम के टीम में है अभी, तो इस तरह से इन फ्यूचर भी हम और भी लोगों को जरूर जोड़ेंगे हमारे कलाराम के जो टीम में, हम जरूर चाहेंगे ऐसा जब कभी हम आपको पास से जानेंगे और आप जब खुद से कुछ करना चाहेंगे तो वेलकम कलाराम की, आप बिल्कुल कर सकते हैं। तो हमारे ये जो कोऑर्डिनेटर टीम है, सारे जो मीडिया कोऑर्डिनेटर है, स्टेट हेड है, तो इन सबका भूमिका है थोड़ा थोड़ा, किसी ने पोस्टर बनाते हैं, कोई राइटअप लिखता है, कोई होस्टिंग के लिए बात करते आर्टिस्ट से, तो मतलब कोई अकेला का काम नहीं है और हम अकेला कोई नहीं कर सकते, तो जब इस तरह से फैमिलीज मिलते हैं और तब जाके अच्छा काम होता है। तो मैं हमारे जो टीम है उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग इस तरह से खुद से इनिशिएटिव लेते हैं और काम करते हो। थैंक यू सर, अब आपकी तरफ से ही है, आपसे मोटिवेशन मिलती है हमें सर। जरूर। तो जग गई बंसी का। Yes, so. Okay. अब सर मैं चाहता हूँ कि इसमें थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड करके और दाढ़ी पे और थोड़ा सा हाईलाइट करके इसको हम छोड़ेंगे, पीछे का भी मैं कर देता हूँ उसको, ये जो है हाँ। लेकिन आपका सर देखा मैंने बहुत पेशेंस है और आपका काम भी बोलता है उसी तरह से। थोड़ा सा रुक गया कैमरा। हेलो
हाँ कैमरा थोड़ा सा स्टील हो गया, सभी के लिए ऐसे दिख रहा है ना? यस सर स्टील हो गया। यस सर नेट इश्यू था शायद। तो आप करके ऑन कर दीजिए, फिर से हो जाएगा। YouTube से ज्योति अंबस्ता थैंक यू। YouTube में भी अटक गया, YouTube में भी अच्छा नहीं दिखता। हाँ YouTube से भी वो यहाँ से रुका तो वहां पे भी रुकता है ना? नहीं 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 बीच बीच में हो गया था YouTube में। ओके हाँ जहाँ से मतलब वो इंटरनेट जरूरी है थोड़ा सा, अगर ठीक नहीं हो तो फिर हेलो। हाँ आ गया। हाँ सर ये पता नहीं 40-40 मिनट पे ये बंद हो रहा है, पता नहीं क्या वजह है, आई डोंट नो। और बाकी ये बंद कोई हो रहा बात है बात। वो तो हम देख चला गया थोड़ी थोड़ी देर पे ही है ना, ऑटोमेटिक इधर बंद हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं सर, आप छोड़ेंगे नहीं जो भी है। सर थैंक यू सर। खाना वगैरह हो गया सर आप लोग? हाँ खाने का तो करेंगे बाद में, थोड़ा सा हल्का खाया, हल्का खाएंगे थोड़ा मतलब। आपका भी आज रोक दिया हमने डिनर था। नहीं कर लिया था सर मैंने। ओके खाने का क्या जरूरत है, इतना अच्छा पेंटिंग देखने को मिल रहा है। अरे सर आपके बेटे अभी भी लगा है कैमरे पे? हाँ हाँ जी, हाँ जी सर वो बिल्कुल तैनात रहता है सर वो। वो अगर कुछ हिल रहा है तो वही उसी ने किया दीदी, क्योंकि ये भी मतलब ये भी बताता है कि कितना उनको भी मतलब इच्छा है तो। हाँ हाँ सर ये तो है कि वो मुझे सारी चीजें बताता रहता है। कौन से क्लास में अभी आपके बच्चे? सर ये 11th में है। अंकित थोड़ा अपने बारे में बताएंगे सर। हेलो सर। हेलो आपका नाम? कैसे हो सर? अंकित। अंकित ओके। मैं अभी 11th में हूँ PCM में। ओके गुड। और अभी पढ़ाई के साथ इन पे ध्यान दे रहा हूँ, सिनेमेटोग्राफी पे। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा कि आपने भी पापा के साथ इतना मतलब समय दे रहे हो, और समय देते रहते सुन के भी अच्छा लग रहा है। हाँ मैं भी जस्ट साइड में टेबल लगा के मेरी कॉपीज भी वो लिख रहा, लिखते भी जा रहा हूँ मैं। गुड। हाँ सर इसको इंटरेस्ट बहुत है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी और इनमें ये
बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इसको, और ये बोलता है कि मैं आर्टिस्ट आपके साथ बन रहा हूँ लेकिन मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। क्या बात है, तो है इसमें गट्स वैसे, और ये अच्छा पढ़ता है। अभी जब से पढ़ रहा जब से अभी तक ये 90 से नीचे उतरा नहीं इसका परसेंटेज। तो कौन रोकेगा अभी आपको? क्या बात है। तो मैंने इसको कभी अपना वो नहीं किया, मैंने कहा हम अपनी अपनी भावनाएं तेरे ऊपर नहीं थोपेंगे भाई, जो करना है करो। बिल्कुल बिल्कुल भी मैंने सर अभी तक उसको कभी ऐसा कहा ही नहीं। ऊपर बाकी ये ड्राइंग बहुत अच्छी करता है, वीडियोग्राफी फोटोग्राफी सारी चीजें प्रमोद कुरलेकर सर और सुचित्रा भोसले मैम को इतना अच्छा लगा कि वो उन्होंने ही सारा बोल दिया था कि अंकित तुझे ही करना है सारा ये सब हमारा। तो पर्सनली नंबर भी आज सुबह भी सुचित्रा भोसले मैम ने इसको कॉल वॉल किया, अंकित बोले हमें फोटोग्राफ बहुत अच्छा लिखा सर इसके बारे में, और इसको इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर दिया सर मैडम ने। क्या बात। हाँ, और इसके बारे में काफी कुछ लिखा उन्होंने इसकी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के बारे में। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया अंकित, यही होना चाहिए। थोड़ा और जूम कर सकते क्या आप? इससे ज्यादा जूम मजा आ रहा है। हॉक ब्रश से थोड़ा सा टेक्सचर भी आ जाता आराम से, है ना? हाँ जी सर, हाँ जी सर, वो उसका फिर अपना एक मजा ही है ना। क्या बात, परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग। क्या बात, थैंक यू सर।
तो आप सभी ने देखा है हॉक ब्रश से कैसे कैसे पतले पतले बाल बनाया जाता है। एक बार थोड़ा मैं उठ के देख लेता हूँ सर, एक मिनट से। हाँ हाँ जरूर जरूर, क्योंकि मैं इतनी देर से कर रहा हूँ ना, उठा नहीं है। हाँ हाँ देखिए ना, ये आपको पहले भी देखना चाहिए, देख सकते थे। नहीं नहीं काफी अच्छा लग रहा है मुझे भी, और खुश हूँ मैं कि यहाँ तक पहुंचा हूँ। और थैंक यू सो मच सर। बस अब ये जो दादा जो थे तो मुझे वहां मिले थे, और जिस तरह से ये इनको जरूरत थी कुछ पैसों की, तो मैंने इनको दिए भी पैसे, और मैंने इनकी बहुत कुछ मदद करने की कोशिश की उस दिन, क्योंकि ये बहुत परेशान थे उस दिन दादा। ओके। तो मैं यही चाह रहा था कि मैंने यार मैं वास्तव में उतना उनको उस दिन जो मैंने महसूस किया था तो वो मैं उतार पा रहा हूँ कि नहीं, मतलब वो चीज मैं देख रहा हूँ बहुत देर से। तो नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, और सर मैं अपने काम से खुश हूँ। मतलब ऐसा सबसे पहली बात तो है कि यार हमको मजा आना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ये भी है कि आपने इस तरह से जो शेयर किया हमें, तो ये भी एक मैसेज जाता है स्टूडेंट्स को और इस आर्ट फील्ड को, आर्टिस्ट को, कि जरूरी है कि वो सब्जेक्ट को फीलिंग के साथ काम करना, फील होना। जी जी सर, मैं तो सर मतलब मैंने इसीलिए इस फोटोग्राफ को बनाना उचित समझा था, और मैंने सोच लिया था कि मैं उसको बनाऊंगा, क्योंकि मेरी ना उस दिन ना उनसे बहुत जो बातचीत हुई थी, और मैंने उनका देखा उस व्यक्ति का, तो मुझे लगा कि मैं यार मैं उसको फीलिंग लाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस तरह की वो फीलिंग में लाना चाहूँ, कोशिश तो करूँ कम से कम, हम कोशिश तो कर सकते हैं ना। जरूर जरूर, कोशिश करने में क्या है, कोशिश होगी तो तभी तो हम भी समझ पाएंगे कि यार हम वास्तव में नहीं। वो आता है वो, अगर आप मतलब निष्ठा से और मन से करते हो किसी चीज को तो वो आता है। और सही कह रहे हो सर आप, जरूरी है, एक पार्ट है मतलब कला में, क्योंकि ये सब हमारे हाथों के जरिए जरूर बनता है, बट हमारे आत्मा के साथ मिलके बनता है ये चीजें कला। राइट, जरूरी है कि थोड़ा सा इस तरह से डिटेल्स में जितना आप जाए। तो मैं मुझे याद आया कि चित्र में हम जब काम करने गए थे जी, चित्र में राजस्थान में, तो वहां पे गुलशन आचार्य सर थे मेरे साथ, तो जब गया था तो वहां पे जो उसके जो कहानियां था वहां पे, रानी ये वो किस तरह ने अपने आप को जलाया था, ये सब कहानी, और उस जो लोकेशन का जो सन्नाटा, तो पहला दिन वो फील नहीं किया, फिर दूसरा दिन जब ये सब कहानी वहानी सुना तो वो जो सन्नाटा हमने काफी मतलब अभी जो सन्नाटा हो रखा है और वो सब कहानी सुना है, ये सब हमने जब सुनने के बाद जो पेंटिंग बनाना, तो उस पेंटिंग में काफी चेंजेस था हमारा, मतलब बाद वाला जो पेंटिंग था जी, तो जी हम रूम में आके वही बातचीत कर रहे थे, और भी जो वहाँ पे हमारे जो मेंटर थे, तो वो पेंटिंग में दिखता है वो चीजें और महसूस करते। तो जी 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 सही कह रहे हैं। अभी जैसे हम ऑन द स्पॉट में कई बार जाते हैं पेंटिंग करने के लिए, तो जाते ही आप पेंटिंग शुरू मत करो, और वहां पे आप पहले उस वहां का जो लोकेशन है क्या है, आपको मालूम होना चाहिए क्या है क्या लोकेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा थोड़ा बहुत भी अगर नॉलेज मिलता है तो वो थोड़ा सा आप जानिए क्या है।
राइट राइट सही सही कह रहे हैं सर आप। फिर आप सब्जेक्ट से भी अच्छा ये दे पाएंगे, वैल्यू दे पाएंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट रहेगा उस लोकेशन में जाने के बाद। राइट राइट। अभी मान लो कि कोलकाता चला गया, विक्टोरिया में चला गया, तो कोलकाता विक्टोरिया में जाके आप पेड़ बना रहे हो, है ना। विक्टोरिया विक्टोरिया फिर क्या गया क्यों, है ना, कोलकाता विक्टोरिया की जाने की क्या जरूरत है अब तो। नहीं नहीं इधर ही बनाओ ना, वो एक बजा जो होना चाहिए, मतलब आप उस लोकेशन में हो, क्या बजा क्या है और क्या आपके सामने, राइट राइट, उसके ऊपर थोड़ा सा होना चाहिए। वही चीज इम्पोर्टेंट भी है सर। हाँ, अक्सर मैंने देखा कि प्लेन एयर में गया तो चलो ये प्लेन एयर से हटके है इस सब्जेक्ट से, बट बात वही है कि प्लेन एयर में गया जाके कुछ भी बनाने लग गया तो कुछ भी तो नहीं, मतलब थोड़ा सा सोचना है कि क्या बनाना है क्या नहीं है। ये बात तो है सर, और वही इम्पोर्टेंट है और वही कहीं ना कहीं हमारे इसमें निभाती है वो चीजें सर। लाइट टोन पर भी सर मुझे लगता है इतनी कमान करके चलना जरूरी है कि कई बार हम जैसे ज्यादा लाइट कर दें या फिर ज्यादा हाईलाइट हो जाए तो वो चीजें, मतलब मुझे लगता है कि उस पर पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है काम करने पर। तो कई बार ऐसी हो जाती है, मुझसे भी कई बार होती गलतियां उस तरह की, पर वो होना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ सारे कलर वैल्यूज चेंज होते है ना आपके, बिल्कुल ज्यादा एक जगह हाईलाइट बहुत ज्यादा होने के साथ साथ बाकी जो कलर वैल्यूज बनेगा वो भी चेंज आएगा फिर। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं। हाँ, हद से ज्यादा डार्क और हद से ज्यादा लाइट ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। वैल्यूज के स्टेज वही है ना कि कह रहे थे कि एक ड्राइंग एक कलर, कलर में वैल्यूज, ड्राइंग में पर्सपेक्टिव। तो वैल्यूज को स्टडी करने के लिए आप पेंसिल स्केच ज्यादा से ज्यादा करें, पेंसिल शेडिंग के जरिए पोर्ट्रेट को बनाए, या जो भी सब्जेक्ट आप पेंसिल शेडिंग के जरिए बनाए तो भी आपको आने वाला समय पे कलर में जब करेंगे तो इम्प्रूव होगा। सर आपसे एक बात पूछना थी मुझे। जी जी, आपके वाटर कलर में आइडियल कौन है आपके? ऐसे क्या है कि कोई एक नाम ले लूं तो थोड़ा सा ये कमी रहे, मतलब खाली हो जाएगा, मतलब मुश्किल हो जाएगा, मतलब कई सारे आर्टिस्ट को मतलब फॉलो करते हैं और उसमें किसी एक को पता नहीं क्यों मैं डिसाइड नहीं कर पाता कभी। कई बार मुझे सवाल आया क्योंकि मैंने बहुतों से सीखा है, तो कोई एक नाम फिक्स नहीं है। वैसे क्या था कि बहुत सारे आर्टिस्ट से सीखा और फिर उसको अपने मतलब प्रैक्टिस किया, फिर उस पे उतरा आइडियल बोले ऐसे, फिर वो एक इस टाइप का आ जाएगा, फिर ये उनके नाम ले रहा तो ये नहीं है क्या, तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि मेरे नजर में बहुत सारे आर्टिस्ट है और मैं सभी को उतना रिस्पेक्ट करता हूँ, तो कोई एक नाम तो नहीं लूंगा, मेरे लिस्ट में बहुत नाम है। वाह क्या बात है सर, ये भी अच्छा है सर, नहीं तो होना भी चाहिए। ये बहुत अच्छा है सर। चलो जिनका एक आइडियल है दो आइडियल है वो भी ठीक है कि एकदम फिक्स है, बट मेरे लिस्ट में कुछ ज्यादा ही है नहीं तो सर क्या दिक्कत है उसमें, कोई दिक्कत नहीं है ना, अच्छा है ना सर। जी जी जी, धीरे धीरे करके ले जाता हूँ सर ऊपर, मुझे लगता है काफी मतलब वो होता है कि यार हम धीरे 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 चढ़ रहे हैं। मैं मतलब उसको काम को मतलब जब भी करता हूँ तो ऐसे धीरे धीरे करके ही चलता हूँ, धीरे 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 करके। मैंने कई बार कुलसा सर को भी बताया वाली चीज, कई बार बात करते हैं तो
सर कैसे क्या आप, मतलब मैंने कहा यार मुझे मतलब ऐसा है कि इस तरह का काम पसंद है कि मैं भागता नहीं हूँ, रन नहीं करता, बस मतलब मैं धीरे धीरे समझता हूँ उनको। वो एक बात कहते ना, राते ना जगे नसीब नहीं जगता ना, क्या बोलते है? हाँ ऐसे कुछ है। ऐसे कुछ है, आपको समय तो देना ही पड़ेगा, समय से ही मतलब देना ही पड़ेगा। हाँ बगैर समय के तो वो मुश्किल है ना, कैसे संभव है। और किसी को अगर समय लग रहा है तो ये जान जाइए कुछ अच्छा हो रहा है। ये भी सही है। मैं लक्ष्मी विलास पैलेस गया कई बार। ओके। जो कि बड़ौदा में है, बड़ौदा में राजा रवि वर्मा साहब की पेंटिंग है, लाइव देखी मैंने। वाह। हाँ तो स्टडी करने के लिए क्या पर्पस से कि भाई पहले देखना तो पड़ेगा ना। और पर सर बाकी ये बात आपको बता दूं कि मैंने मतलब हम एमपी से हूं मैं, तो अभी तक भी कभी किसी का लाइव डेमोंस्ट्रेशन एमपी में नहीं देखा सर। मैंने पहली बार देखा सर का, देखा फर्स्ट डेमोंस्ट्रेशन लाइव देखा, क्योंकि टीवी में तो हम मतलब ऐसे वीडियोज वगैरह में और इनमें तो हम देखते हैं मोबाइल वगैरह, लेकिन लाइव देखना एक अलग चीज है, सही मेरा ऐसा मानना है। तो मैंने सर का वासुदेव कामन सर का देखा, प्रमोद सर का देखा, पर बाकी इधर इतना क्रेज नहीं है सर उसका, रियलिस्टिक का इतना वो नहीं है सर। तो हम लोगों को सर देखने को नहीं मिलता सर इधर। अब बात मानेंगे ये स्थिति है सर एमपी की। तो आप जब राजा रवि वर्मा सर के पेंटिंग देखे तो क्या लगा आपको फील, और क्या वहां से सीखने को मिला आपको? बहुत सर पता चला कि यार ये पता चला कि यार हम मतलब क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। और मतलब अब वहां से एक एनर्जी आती है ना कि यार आप घर जाके यार अब काम करना है हमें, है ना। तो वो चीज मुझे वहां से सर मिली। और वो मैं अभी तक भी उसको बरकरार मतलब रख रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ उस तरह से करने की कोशिश कर रहा हूँ कि हो मेरे से भी हो, हम भी करें इस तरह का काम। पर हाँ लेकिन ये फिक्स हो गया उससे कि हाँ वो मेहनत से ही होगा, मतलब काम करने से ही होगा वो। और वो लगातार जो से एक सीखने की जो वो है वो रहेगी तो हो पाएगा वो। आवाज आ रही है सर? हाँ छोटा सा कोशिश किया है सर मैंने आज पहली बार। बहुत अच्छा सर। क्योंकि आप लोगों के सामने काम कर पाना है हमारे लिए एक बड़ी बात है। अरे नहीं सर, नहीं नहीं सर, क्या है आप लोगों के काम तो वास्तव में जितनी तारीफ करें उतनी कम है, और वास्तव में आप काम कर रहे हैं ये बात भी फिक्स है। आप जाते तो, हैं सर आप ज्यादा ही तारीफ कर दिया। नहीं नहीं सर, अरे नहीं नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, दिल से सच्ची बात है ये, दिल से। अचिंत्य सर बहुत काम करता है, बहुत काम करते हैं सर। राजेंद्र सर अभी बोलो। राजेंद्र सर भी हमारे अच्छे कलाकार है और सीनियर है, काफी अच्छा काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो ही मैं कह रहा हूँ, मैं हम हर किसी से सीखता हूँ। क्या बात है सर, ये वाली ये चीज है सर। सर इतना सीनियर होके भी हमें मतलब ये कहते हैं तो काफी अच्छा लगता ही है, और सर भी काफी बड़े दिल के आदमी है, तो यहाँ मेरे स्टूडियो घूम के गए सर, काफी अच्छा लगा है। सर का काम अभी आपका स्टूडियो बहुत अच्छा था, स्टूडियो आपका
और आपने तो पिछले साल से आग लगा दिया है। अभी सर ये मेरा ये खत्म हो जाए उसके बाद में सर का काम। सर आप मुझे आपकी लिंक भेज देना सर। हाँ जरूर जरूर। ये सर जो है ना इसमें जरूर जरूर। हाँ अजिंद्य सर इनका 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 मुझे भेज। हाँ राजेंद्र सर का भेज देंगे क्योंकि देखना चाहूंगा मैं भी। आपको ग्रुप में ऐड करते हैं ना तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बाकी काम भी। और अच्छा राजेंद्र सर बड़े आर्टिस्ट है मतलब कहीं इधर उधर नहीं शेयर करते। नहीं, नहीं, बड़ा आर्टिस्ट नहीं खाली बुजुर्ग है। अरे सर आप आराम से बाद में ना इनका फोटोग्राफ थोड़ा सा लेके व्हाट्सएप कर दीजिएगा कूल्स को। हाँ हमारे पेज पे शेयर करेंगे और ड्राइंग वाला फोटो और ये कंप्लीट होने के बाद आराम से मतलब कर दीजिएगा। अरे सर बिल्कुल बिल्कुल सर। बहुत अच्छा सर बहुत अच्छा। अच्छा है सर। बस वो ऐसे चढ़ाते चढ़ाते हम इसको नीचे तक भी ला सकते हैं और चढ़ाते चढ़ाते इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं पर आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इतना कंपोजिशन भी इसका जो है मैं थोड़ा सा भी हल्का सा इसको इसकी आंखों में थोड़ी सी हल्की सी बस 10 मिनट का टाइम और लूंगा। जी जरूर जरूर। पर ज्यादा नहीं पर अगर इसको हम यहाँ तक भी छोड़ेंगे तो ये मुझे लगता है आई थिंक बुरा नहीं है कंपोजिशन में। बिल्कुल सही है। और आपका एंगल भी थोड़ा सा डिफिकल्ट था तो तभी भी अच्छा लगता है। अच्छा अच्छा बहुत अच्छा एंगल ही। थैंक यू सो मच सर। तो मैं एंगल तो मैंने वो वहाँ पे एक हल्का सा फोटोग्राफ ले लिया था तो उस हिसाब से इसका एंगल इतना बना है। हाँ लेकिन मैं दूर से इसको देख रहा हूँ सर मुझे बहुत खुशी मिल रही है उसको देखने के बाद। बहुत बहुत अच्छा बना है। मैं यहाँ तक आ पाया हूँ उसको लेकर तो मैं बस इसकी थोड़ी सी आंखों में हल्की सी डिटेलिंग दे देता हूँ और आई थिंक मुझे लगता है कि इसको अब आगे ज्यादा ना ले जाते हुए इसको यहाँ पे अगर स्टॉप भी करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है सर जी। अगर आप कहें तो मैं ऊपर तक भी बना सकता हूँ वो पगड़ी पूरी। नहीं उसका फिर वो ये नहीं रह जाता मतलब शायद ब्यूटी खत्म हो जाएगी फिर। आपने बिल्कुल डिसीजन अच्छा लिया ये ठीक है परफेक्ट है। हाँ मुझे लग रहा है कि मैंने उसको मेरे एक फ्लो में जो मुझे लेना चाहिए था उतना मैंने उसको लिया है और वो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक कंपोजिशन के तौर पे अगर हम देखें बिल्कुल बिल्कुल तो, कंपोजिशन के तौर पर सिर्फ मुझे एक अच्छा डिसीजन लग रहा है उसका। नहीं तो बाकी मेरा कोई ऐसा वो नहीं है कि मैं थक रहा हूँ। मैं तो सर पूरी रात का काम कर सकता हूँ पर वो बस एक कंपोजिशन के हिसाब से बहुत ज्यादा वो उसको कंप्लीट करना अभी मुझे नहीं लगता कि वो ठीक जाए। हाँ, ये ठीक है। हाँ, मुझे भी सर ऐसा लग रहा है तो मैं मतलब मेरी बड़ी वो मैंने कहा यार एक बार सर से बोलता हूँ मैं क्या बोलते हैं वो। हाँ, नहीं, नहीं। मुझे तो लग रहा था कि यार ये काफी सफिशिएंट लग रहा है। इसकी आंखों में हल्की सी 5-10 मिनट में मैं इसकी आंखों की डिटेल करके निशिकांत सर तो अभी कहीं बाहर गए हुए ना। हाँ वो बाहर है थोड़ा इसलिए नेटवर्क आ रहा है तो फोन आया था। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन सर भी बहुत मेहनत कर रहे हैं सर। हाँ हाँ उनकी भी एक बहुत तगड़ी मेहनत है। काम भी उनका बहुत जोरदार है ऐसी कोई बात नहीं है।
थोड़ी सी सर आंखों की हल्की सी, एक हल्की सी डिटेलिंग, ज्यादा नहीं। अब आराम से करिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से। हम ऐसे ही दो दो तीन तीन चार चार, क्या बोलते हैं वंशिका? यस सर। जग रहे ना, मैं वही देख रहा था सर, मैं उठी हुई हूँ। एक्चुअली सब जागते हैं राजेश सर। वाव सर, सब जागते हैं सब, ऐसा नहीं कि आपके वजह से जग रहा है, आप ये मत सोचो, आप आराम से करो। यस सर, हमारे पास पूरी रात है। वाव नहीं सच में बोल रहा हूँ, ऐसे मजाक नहीं कर रहा हूँ, किसी को लग रहा है मजाक तो वो जा सकते हैं, किसी को ऐसे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूँ वो जा सकते हैं। क्या बात है सर, कोई कोई तो जाके भी आ गया। थोड़ा सा इसको देख लेता हूँ। हाँ जरूर। क्योंकि वो दूर से उठकर जब हम उसको देखते हैं तो फिर काफी कुछ हमको समझ में आता है कि हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअली मन तो कर रहा है कि उसको सामने से देखने का, अभी कैसे देखे। हाँ हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सर। तो बिल्कुल आपकी बात सही है सर, कि कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि वो जगह वो रहता ना कि यार बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार इसको हम पास से देखें। सर आप रात में कब तक काम करते हैं? काम रात में? दिन ही हो जाता है ज्यादातर, रात में मूड के ऊपर होता है। अभी कुछ जो कभी कभी करते हैं, मतलब ऐसे कुछ फिक्स नहीं है। रात को कितने बजे भी होता है, कई बार मान लो सुबह की ऐसे भी हुआ कि 3-4 बजे नींद खुला अचानक, तो फिर एक फायदा मेरा ये कि मेरा स्टूडियो मेरे घर के साथ में लगा हुआ है। okay. तो जिससे क्या हो गया कि जाने का कोई दिक्कत नहीं, उठ के बैठ सकते कभी, तो उससे ज्यादा बेनिफिट है, ज्यादा काम करने का मौका मिलता है। जी जी जी। और फिर चाय नाश्ता भी टाइम से एकदम बढ़िया। और मैं बताऊं कि मेरे साथ, आप सोच रहे हो कि एक एक मोबाइल में एक ही देख रहे, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ
जैसे मेरे साथ मेरे वाइफ भी देख रहे हैं आपके वीडियो, तो ऐसे बहुत सारे ऐड्स भी है कि डबल डबल देख रहे हैं तो। अच्छा, अरे वाह सर, ये तो बहुत अच्छा, आपने मुझे बताया था। हाँ तो बहुत लगा, तो जब जितना देर मैं देख रहा हूँ उतना देर मेरे वाइफ भी आपके वीडियोस देख रहे हैं, मतलब ये डेमो देख रहे हैं। अच्छा, नहीं करते फिर भी, मतलब इस फील्ड में मैम को नमस्कार बोलना सर मेरा। हाँ नहीं मैम नमस्कार, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मैम हम थोड़ा बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू सो मच। तो इसी तरह से सबको जानते हैं तो। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं सर, कम से कम मैं भी आप मैडम सभी हाथ की मैडम के हाथ के कचरे खाने का है मुझे अभी। हाँ कचरे, आना कचरे पड़ेगा याद है, उसके लिए आना पड़ेगा सर जी। हाँ कचरे याद है। हाँ सर, कानपुर में आप आए थे सर? नहीं नहीं, राजेंद्र सर नहीं आए कानपुर में, नहीं मैं कलकत्ता में था। अच्छा अच्छा, तभी वो एकदम नाम से लग रहा ना, वो नाम से लग रहा है कि मैं यार सर शायद कानपुर में नहीं थे सर। ठीक लग रहा है सर काम? अरे सर मस्त मस्त, थैंक यू सो मच सर। थोड़ा सा हाईलाइट पे थोड़ा सा ध्यान दे लेता हूँ मैं। कलर कंपोज काफी अच्छा किया आपने, मतलब खुद से किया है और सब अच्छा, बहुत अच्छा किया। स्किन स्किन टोन का तो बहुत अच्छा गया। वो क्या है जब करते 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 वो स्थिति आ जाती है कि मजा आने लगता है। क्या जैसे कई बार हम एक्सरसाइज करने के लिए जाते हैं सर, और फिर वार्म अप होती ना बॉडी और उसके बाद फिर लगता है कि हाँ अब मजा आएगा फिर कितना भी काम हो जाए फिर ऐसा लगता है कि यार अब मजा तो अब आ रहा है, मतलब ऐसा रहता है ना, तो वो वाली स्थिति भी कभी कभी आ जाती है। बहुत सारे लोग जो है वो, अभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो हाइपर रियलिस्टिक, तो हाइपर रियलिस्टिक में सर इतना मजा नहीं आ पाता है, पर ये बात तो आपको बता दूं मैं, क्योंकि वहां पर फिर एक फोटोग्राफ का फोटोग्राफ ही पूरा वो हो लगता है। वही है कि कमीशन वर्क करते तो है बट
कितना बंदिश होता है उसमें ना। बंदिश होता है क्योंकि क्लाइंट के हिसाब से करना है आपको। लगता कुल से सर तो सो गए हैं। एक्चुअली उनके भी इमरजेंसी में वो बाहर है। हाँ हाँ वो बात हुई थी दिन में। तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा देर तक ऑन नहीं रख सकते सिस्टम। नहीं नहीं जरूरी है सर, वो तो बड़ी जो बताया उन्होंने मुझे बहुत वो लगा। पांच मिनट सर। हाँ हाँ कोई नहीं, बहुत सॉफ्ट है और कभी मर्ज एकदम मस्त लग रहा है। लेयरिंग
ठीक है सर, सिग्नेचर कर देता हूँ। हाँ 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 बढ़िया बढ़िया, मजा आ गया। थैंक यू सर। मैं एक तरफ सिग्नेचर कर देता हूँ। सिग्नेचर करता हूँ सर, है ना? हाँ। और इसका जो फाइनल फोटोग्राफ जो है, जी जी, वो मैं अभी या फिर आराम से कल कल भेजिए आराम से, है ना? ठीक है। तो डे लाइट में निकल के, जी सर, डे लाइट में निकला फोटो। हाँ हाँ जी सर, जी सर, तो डे लाइट में निकाल के वो फोटो डे लाइट में सही आएगा। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया, मजा आ गया, थैंक यू सो मच सर, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी के सर, मेरा इतना साथ दिया सबने, और मैंने कोशिश की है हल्के से। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत अच्छा है सर, थैंक यू सर, और कभी कुछ गलती हो तो थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ उसके लिए। हाँ नहीं नहीं, बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सो मच सर। कुछ लोग यूट्यूब में भी है अभी तक, और अच्छा कितने लोग हैं सर अभी तक? यूट्यूब में अभी 10 थे, अभी धीरे धीरे हो गया। अच्छा 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 अच्छा, पर हाँ। बड़ी बात है सर, वो अभी तक बने रहे, ये बहुत बड़ी बात है। 10-10-20 लोग भी है तो बहुत बड़ी बात है, कि 20 लोग अगर इतने देर दिख रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी, उनका सबका सर तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी, हम भी, और स्पेशली आपको थैंक यू करना चाहूंगा कि आप इस तरह से समय दिया, और बाकी मतलब पूरा रियलिटी के साथ दिया, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच सर। सब्जेक्ट के जो हिस्ट्री, एक बार थोड़ा सा मैं सामने आ रहा हूँ, सामने की तरफ थोड़ा सा बात कर लेता हूँ आपसे। जरूर जरूर, मैं अब खुश हुआ सर। यस यस, कैमरे से नहीं हो पा रहा है। तो ठीक है ना, चलो ठीक है, अब मैं फ्रंट से देखना चाह रहा था पर अब इसने उधर से कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यस यस, तो सर करूं ऐसे भी सर से देखने जा रहा था यार। तो एक मिनट में करता हूँ, एक मिनट। हाँ अब है ना सर बात ये, अब आप मुझे दिख नहीं रहे थे और इसने कैमरा कर दिया तो मेरे घर में सर तो मुझे दिख नहीं रहे सर तो मुझे दिख नहीं रहे तो मैं बात के इस माइक के बारे में जानना चाहूंगा सर। अच्छा ये वाला जी मोनो का है। जी जी शेयर कर दूंगा, मोनो का है, मोनो। पर बाकी आपकी आवाज इसमें बहुत अच्छी आती है। अच्छा नहीं है, माइक अच्छा है। कितने का है सर ये? उस समय 4 के आसपास पड़ा था, 4,000 के आसपास। 4,000 के आसपास, हाँ, तो इसे 5,000 के बीच में, इसी मतलब ब्रांड में बहुत सारे मॉडल्स है, तो उस समय जो रिव्यू वगैरह देख के तो ये मैंने दिया था। जी 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 जी, नहीं नहीं बहुत आपकी आवाज लग रही है ना। हाँ, वैसे एकदम क्लियर। हाँ, हमारे
क्या है कि क्लासेस चलता है, जैसे ऑनलाइन क्लासेस है, तो दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि अच्छा वीडियो और अच्छा वॉइस, ये दोनों चीज बहुत अच्छा जरूरी है। क्योंकि अगर वीडियो ठीक से नहीं देखेगा कहाँ पे क्या, एक तो दूर से देख रहे है ना, तो दूर से देख रहे उनके कलर और ये सब चीज अगर ठीक से नहीं देखेंगे तो मजा नहीं आएगा। और हमेशा के लिए ऑडियो हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो जो भी आपको जानना है मुझे पर्सनली कॉल करके आप मुझे कर सकते हैं, मैं आपको शेयर करूंगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कभी कोलकाता आते हो तो जरूर एक बार याद करो। अरे सर बिल्कुल 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 सर, आप भी इंदौर आओ तो मुझे बताइएगा सर, मैं तो चाहता हूँ कि आप एक बार इंदौर आए। यस यस, तो मैं उधर आऊंगा तो जरूर सर, आपके नंबर तो है मेरे पास। यस है ना, ले रखे हैं ना? हाँ, है मेरे पास, और ग्रुप में भी है, ग्रुप में भी डाल रखे हैं आपने। हाँ, तो हमारे तो साथ ये है, कनिष्ठा है, बंसिका है, तो आप लोग भी कुछ बात करना चाहेंगे और भी सभी? Yes. सर बहुत अच्छा डेमो था आपने जो उसमें कलर्स अप्लाई करे स्किन टोन के, बहुत मजा आया। अच्छा बोलो क्या कलर था सर? मिक्स थे, अब मैं ऐसे कैसे बताऊं सर ने, उसमें ग्रीन भी था, रेड भी था, सब कुछ मिक्स करा सर ने। ये तो कोशिश की मैंने, ठीक है ना सर, वाला आंसर हो गया। अचिंत सर ने पकड़ लिया क्योंकि वंशी का नहीं थी बीच में। सेकंड सर के तो बोला नहीं सर, सैप ग्रीन था। अच्छा मैं बता, सैप ग्रीन बोला था सर, वो दाढ़ी के लिए बोला था उसमें डाला था। यस अच्छा, यहाँ पे ये अच्छा है कि लास्ट में हम ना सवाल और जवाब करेंगे। यहाँ पे वो सुमेश जी का सवाल भी था कि जब काफी देर हो गया तब भी पूछ रहे कि इसके स्किन टोन का क्या था। तो चलो कनिष्ठा बोलो स्किन टोन क्या था। सर येलो ऑकर और वाइट को मिक्स करा था थोड़ा सा, उसमें उन्होंने पिंक के लिए भी बोला था कि पिंक टोन भी डालना चाहते थे, फिर थोड़ा सा बर्न सी आना यूज किया था डेप्थ के लिए। नहीं देखो अच्छा ना, मतलब कुछ मतलब क्या फायदा हुआ इतना हमने ये करने के बाद, बंट अंबर था सॉरी, थोड़ा कंफ्यूजन रहती है मुझे हमेशा इन दोनों कलर्स में। तो इसको देखो नोट किया करो, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ कि सभी के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो वीडियो एक टाइम के लिए नहीं है, परमानेंट हमारे कलरम के यूट्यूब चैनल पे रहेगा। आप सभी जो देख रहे हो तो इसे आप फिर से एक बार चला के देखना है, और स्पेशली आप दोनों के लिए मैं कल फिर से पूछूंगा कौन सा एरिया में क्या कलर था। तो आपको बाकी ठीक थे ना, इसके बाद 4 घंटा और ले लो, वीडियो देखो, नोट करो, और उसके बाद मैं सवाल करूंगा कल एकदम क्लियर हो जाएगा कौन सा कलर कहाँ पे क्या यूज हुआ। तो थोड़ा बहुत तो हमने बातचीत के जरिए उस समय बताया भी है सर ने, ठीक है? ठीक है, तो स्किन टोन क्या क्या था उसमें, बंट अंबर था, थोड़ा सा ब्लैक था, व्हाइट था टाइम टू टाइम, तो वर्मिलियन रेड यूज हुआ है। आप जैसे मैंने जैसे बताया थोड़ी देर पहले कि यूरोपियन आर्टिस्ट क्या करते हैं, लेमन येलो लेते हैं, उसमें वर्मिलियन रेड या कैडमियम रेड उसमें मिक्स करते हैं तो ऑरेंज बन जाता है। अब ऑरेंज बनने के बाद उसमें जो है अल्ट्रामरीन ब्लू मिलाते हैं तो वो ग्रीन हो जाता है, फिर उसमें रेड मिला के और व्हाइट मिला के स्किन टोन वो लोग बनाते हैं, फिर उसी का लाइट और डार्क और ऐसे करके उसमें वो काम करते हैं। लेकिन वो वहाँ की स्किन टोन है। अब इंडियन टोन पे हम क्या करेंगे, इंडियन टोन पे हमारे सामने जो है येलो ऑकर है, लेमन येलो है, क्रोम येलो है, उसके बाद फिर आपका वर्मिलियम रेड है, क्रिम्सन जो उसमें अल्जायरन क्रिम्सन रेड है, और ब्रंट अंबर है, और पर्शियन ब्लू ब्लू है, पर्शियन ब्लू एंड अल्ट्रामरीन ब्लू। अब इनको ये हमारे सामने है, अब इनसे हमें काम करना है। तो येलो ऑकर ले ली, लेमन येलो लो, लेमन येलो में आप ब्रंट साइना और वर्मिलियन रेड और थोड़ा सा ब्लू यूज करके व्हाइट थोड़ा सा मिलाएंगे तो उसमें फिर वो स्किन टोन जो है हमारे यहाँ की इंडियन टोन जो है वो धीरे धीरे उसमें आएगी, और उसमें उनको डार्क करना है तो हम ब्रंट अंबर से डार्क करते चले जाएंगे, पर्शियन ब्लू मिलाएंगे, ब्रंट अंबर मिलाएंगे तो डार्क होगा। और दूसरी चीज ये कि यार जो वो होता है ना सिचुएशन होती है, जैसे कई बार कमर्शियल पोर्ट्रेट भी हम देखते हैं और बहुत सारे काम करते हैं आर्टिस्ट, लेकिन वीडियो वीडियो में जैसा अभी आपने वीडियो में देखा होगा तो सिचुएशन थोड़ी सी ज्यादा दिखी होगी आपको, थोड़ा तेज दिख रहा होगा, पर बाकी थोड़ा सा डल है, और जितना डल रखेंगे उतना वो
अच्छा रियलिस्टिक दिखेगा। और हम जैसे ज्यादा रखते हैं ना एकदम जैसे ज्यादा मर्ज कर रहे हैं या ज्यादा टोन लाइट रख रहे हैं तो फिर वो कमर्शियल टाइप में पेंटिंग दिखती है। सही है। तो उस चीज से हमको ज्यादा लाइट मतलब व्हाइट मिलाने से भी बचना है। इतना व्हाइट का प्रयोग अगर मैं आपको वीडियो में बताऊंगा तो व्हाइट मेरे निकले हुए ना तो बहुत कम। एक बार दिखाऊं क्या मैं कितना देखो व्हाइट ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। एक बार दिखाऊं? हाँ दिखा दीजिए। देखो एक सेकंड मेरे को वैसे वापस ही करना पड़ेगा। अब शायद दिख जाए आपको। ये देखिए व्हाइट अभी भी इतना पड़ा और यहाँ का व्हाइट भी इतना। ये जो है ये हमारे पास ये कैमल का था ये वाला वो भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मैंने ये बाद में विंसेंट न्यूटन का जो यहाँ पे निकाला था ये यहाँ पे वो भी लगभग एक बार का थोड़ा सा यूज हुआ है बस। थोड़ा सही ओके। और ये कलर बता रहा था मैं लेमन येलो येलो ऑकर क्रोम येलो ये तीनों यही रखे हुए हैं। थोड़ा सा सेफ ग्रीन कहीं कहीं टच हुआ है बाद में लेकिन ज्यादा नहीं है हल्का सा। लेकिन ब्रंट अंबर देखो खत्म हो गया पूरा। और अल्जायरन क्रिम्सन जो है वो भी यहाँ पे खत्म हो चुका है। यहाँ पे रेड था वर्मिलियन ये कैडमियम है क्योंकि ये इसकी सेचुरेशन ज्यादा है इसलिए इसको बहुत टच किया है मैंने कहीं कहीं पर लेकिन ये वर्मिलियन रेड जो है इसका प्रयोग ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे ऐसे हाँ यहाँ पे कनिष्ठा अगर बांसिया ना अगर यूज करते तो सेचुरेशन को डाउन नहीं करने देता या तो ग्रीन की तरफ भागता या तो हाँ इसलिए ब्रंट अंबर यूज करना है। ठीक है ब्रंट अंबर और वो सेचुरेशन जो है वो डाउन होना चाहिए क्योंकि वो डाउन जब होगी ना तो ही मेरे ख्याल से तब उसमें मजा आएगा रियलिस्टिक दिखेगा वो। अभी भी हम जैसे अभी हम कैमरा भी हमारे फेस को पकड़ रहा है अभी मैं सर का फेस देख रहा हूँ पूरा व्हाइट दिख रहा है लाइट है आर्टिफिशियल सामने लगा हुआ है। तो होता है ना कि हम रियलिटी को फिर पकड़ नहीं पाते क्योंकि कलर स्कीम क्या है ओरिजिनल कलर स्कीम क्या है। तो भले ही फोटोग्राफ हमारे सामने रेफरेंस में हो लेकिन हम मतलब कोशिश करें कि वो रियलिस्टिक की तरफ बढ़े हमारा जो कलर स्कीम है वो तो मजा आएगा। तो सर ने काफी सारे काम किया तब जाके वो खुद से वो स्किन टोन लेके आ रहा है। खैर हमको तो स्टडी प्रैक्टिस करते करते ये धीरे धीरे आएगा। तो काफी अच्छा सेशन था बहुत कुछ सीखने को मिला और ऑयल मीडियम को लेकर के इतना मतलब मुझे लगता है बहुत सारे डर भी निकल गया कि जो डर है तो एक दिन में भी कैसे करना वो भी बता दिया और दिखाया भी है। तो मीडियम भी है आज के डेट में बस करना है कि आपको स्टार्ट करना है अभी से है ना। करेंगे बोल के करेंगे तो फिर कभी नहीं होने वाला वो स्टार्ट करना है। तो कनिष्ठा जी यस सर थैंक यू सो मच सर बहुत ही अच्छा सेशन था और बहुत ही अच्छा काम हुआ है बहुत अच्छा लगा है। अभी मतलब आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है और बहुत जैसे सर ने बोला कि बहुत क्वेश्चंस थे ऑयल कलर्स को लेके कि स्टोरेज को लेके लॉन्ग लास्टिंग कितने मतलब कैसे रखा जाए जो भी प्रॉब्लम्स थे आपने सबके बहुत अच्छे से आंसर करे। सो कलर की तरफ से हम आपको बहुत थैंक यू करना चाहेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और हमें मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आप लोगों से मैं जुड़ा और मैंने आप लोगों के सामने मेरा छोटा सा जो भी काम मुझे आता है मैंने वो करने की कोशिश की है। तो मैं खुद भी धन्यवाद देना चाहूंगा आप सभी को मुझे बहुत अच्छा लगा पर मैंने भी बहुत कुछ सीखा सर से सीखा आप मतलब मेरे अंदर सीखने की चीज है मैं सीखता रहता हूँ बस ये। यस सर सर हमें बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें ये ऑयल के बारे में इतनी अच्छी डिटेल्स दी बहुत अच्छा सेशन था थैंक यू सो मच सर। तो सर के यूट्यूब चैनल भी है तो वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस ऑयल के ऊपर है तो भी देख के सीख सकते हैं हर कोई। तो थैंक यू सो मच राजेश जी और मैं अपने टीम को भी धन्यवाद करता हूँ कि इस तरह से इन्होंने बहुत अच्छा काम कर रहे। तो थैंक यू ऑल। तो ये भी हमारा ये आज का सेशन है समाप्त कर रहे हैं। ठीक है कनिष्ठा और कुछ रह गया? नहीं सर थैंक यू। हम हमारे YouTube चैनल पे वीडियो रहेगी तो जो भी रह गए हैं देखने का वो वहाँ पे देख सकते हैं। लेफ्ट और ये ब्रश धोने का बताना भूल गया मैं इसको टर्पेंटाइन से यस यस वो जरूरी है यस सर तो मैं हालांकि बाद में धो लूंगा इनको सभी को पर हाँ। इसको टर्पेंटाइन जो मैंने इसमें निकाल के रखा है टर्पेंटाइन इस डब्बे के अंदर है तो टर्पेंटाइन एक तो गंदे पानी पहले जो गंदा हो चुका है पहले तो उससे धोंगे एक बार धोना चाहता हूँ धोऊंगा मैं और फिर दूसरी बार जो है साफ वापस से लेके फिर वापस से फिर उसको फिर क्लीन करूंगा मैं डबल से। और ऑयल कलर से ज्यादा काम करने के बाद ब्रश जल्दी खराब हो जाते हैं एक्रेलिक और ऑयल में तो फिर एक आध दो महीने बाद हम इसे गर्म पानी में थोड़ा सर्फ डाल के भी थोड़ा हम इसको साफ कर सकते हैं इसके क्रिस्टल जितने अंदर रहते हैं
वो सब साफ हो जाते हैं। और फिर इसको अगर अगर महंगे ब्रश हैं कोई ब्रांडेड कंपनी के विंसन न्यूटन वगैरह के, तो फिर उनको फिर है ना उनके अगर ये निकल जाते हैं क्या ये पॉइंट जो अलग अलग हो जाते हैं, तो फिर इसको एक दो दिन के लिए रात में ऐसे बांध के रखना पड़ता है उसको, फिर सुबह तक फिर उसके पॉइंट सही भी हो जाते हैं। तो हमारे ऊपर है कि हम बार बार ब्रश ले रहे हैं या फिर उस ब्रश को हम सही तरीके से रख रहे हैं। तो मैं तो रखता हूँ, मेरी पैलेट भी मैं बिल्कुल साफ रखता हूँ। ये जो पैलेट आप देख रहे हैं पूरी कांच की थी, पूरा बड़ा एक 1.5 फीट बाई 1 फीट की पैलेट मैं यूज करता हूँ, और वो ग्लास होता है। ये अभी तत्काल साफ भी हो जाएगा लेवसी से, टर्पेंटाइन से। और अगर नहीं भी तत्काल साफ होता है, और अगर हम कभी मान लो किसी काम से बाहर निकल गए और रह गई हो, तो वो इरेजर उसे क्या बोलते हैं कटर वगैरह से और नाइफ से भी आसानी से हम उसको थोड़ा सा वो डाल के टर्पेंटाइन डाल के उसको आराम से साफ कर सकते हैं आसानी से। तो ऑयल कलर बहुत अच्छा है उसके लिए, बस ये कि आप करते रहोगे तो आपको पकड़ में आ जाएगा धीरे धीरे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसा डर वाली बात नहीं है, आराम से कर सकते हो। स्टार्टिंग बड़े छोटे से होना चाहिए, जो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं छोटे से होना चाहिए, बस छोटी चीज लाइफ वगैरह जो भी है छोटे से। जी जी बिल्कुल सही कहा सर आपने, वो छोटी स्टिल लाइफ स्थिर होता है तो हम उसको पकड़ ही पाते हैं ना, रंगों को भी पकड़ पाते हैं। मैंने शायद अभी आपको एक स्टिल लाइफ दिखा एक्रेलिक कलर वाला है, वो वैसे ही था। ओके चलो फिर थैंक यू करते और आज यहाँ पे टाटा करते और मिलते फिर नेक्स्ट संडे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट जी।